ओआरएन में आए थे फर्स्ट टाइम, पर्सन कौन था जो जिससे आप पहली बार बात किए थे? उसका एग्जाम क्लियर हो गया हो, बिकॉज मुझे याद है, मैं भी इंस्पायर हुई थी, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 11th क्लास से, तो मैं बहुत इंटिमिडेटेड की गई थी। अच्छा, 11th क्लास से स्टार्ट कर दिया। हाँ, हाँ, आप मुझे ये बताओ कि यूपीएससी में कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सही रहता है, मतलब कि उसके बाद लोग मतलब लीव कर देना चाहिए इस जर्नी में, एस्पिरेंट को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब उस पर आप मुझे ये बताओ कि ये जो वेब सीरीज होता है कि एस्पिरेंट एज ए ड्रीम यूपीएससी परस्यू कर लेता भले उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, तो मतलब वेब सीरीज कितना इंस्पायर करती है एस्पिरेंट मतलब स्टूडेंट्स को टू बिकम यूपीएससी? कैरेक्टर का देखा जा रहा है कि एस के सर का एग्जाम नहीं निकला तो टीचर बन गए, बट उनको भी दिखाओ ना कि वो खुश हैं। तो लास्ट सेमेस्टर में मेरा एकदम पक्का हो गया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी ही है, गई थी शायद से, और फिर भी एनसीईआरटी खरीद के ले आई थी क्योंकि वो एक बेस था। उसके बाद मेरा प्लान ये था बेसिकली कि एक तो ना मेरे पास 2 साल थे बिकॉज ऑफ माई एज, तो उसमें जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो मुझे 2 साल बाद मिली, और मैं मेरी करोल बाग में कोचिंग ज्वाइन करनी थी तो उसके बाद से वो शुरू कर दूंगी। तो अक्टूबर से 3 महीने तक मेरी वो कोचिंग चली थी करोल बाग। प्रीलिम्स था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था, अक्टूबर में आ गया था, 4 अक्टूबर। हाँ जी, वो एक्चुअली में बुरा हुआ मेरी प्रिपरेशन के लिए काफी, क्योंकि मैं बहुत ही रिदम में चल रही थी, पहला अटेम्प्ट के सब बहुत मोटिवेटेड। 2 इंटरव्यूज थे, एक मतलब 24 घंटे के गैप में, वो गया बहुत ही वाहियात, मतलब की मुझे ये लग गया था इंटरव्यू कॉल के बीच में कि अगर मैं इसमें क्लियर हो गई तो मैं डाउट करूंगी कंपनी को कि सर मेरे को कैसे ले लिया। लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, वापस से मेरे पास कॉल आई और मैं बोला कि आपका हो गया है, और ऑफिस हैदराबाद में चली गई मैं, वो भी काफी टफ था क्योंकि पहली बार घर से इतना सिकनेस जैसा टाइप हैदराबाद में टफ पड़ा फर्स्ट टाइम, और कल्चर भी चेंज है ना, काफी कल्चर चेंज है और सभी नए। आपके बुक्स वुक्स लेके गए थे क्या हैदराबाद या बैंगलोर? हैं, लेके गई थी मैं हैदराबाद। वेरी गुड वेरी गुड, और लिमिटेड वे ही ले जा सकते हो आप, फ्लाइट थी आपकी तो। हाँ, मैं लक्ष्मीकांत भी लेके गई थी जो कि वो एक मोटी, जय बाबा, मैं ऐसे की छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तैयारी करेंगे साथ में। हे गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। What? Papa sorry? Yes, Papa sorry. It stands for alternative and the tagline is dare to say no to one more attempt. Right? तो guys, जानते हो guys, आज काफ़ी special guest को बुलाया हूँ मैं on Papa sorry, और वो उनका journey हम लोग cover करेंगे, transitional journey करेंगे। तो वैष्णवी, welcome on Papa sorry. कैसे हो? मैं अच्छी, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। अभी हम लोग cover करने वाले हैं आपकी transitional journey from UPSC aspirant to being a corporate employee, okay. तो वैसे भी मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, लास्ट टाइम ऑफिस कब गए थे आप? एक्चुअली आज संडे को हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड कल मेरा वर्किंग था सैटरडे, सो मंडे टू सैटरडे मोस्टली वर्किंग ही होता है। हम लोग भी बात करने वाले हो, काफ़ी अनफिल्टर टाइप होने वाला है, कैजुअल टॉक होना है, जैसे मतलब फ्लैटमेट लोग बात करते हैं ना, जैसे मतलब तो वैसे ही टॉक होने वाला है। तो वैष्णवी, भी मुझे आप ये बताइए कि आपकी ये जो यूपीएससी का जो ड्रीम था, ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट कब बना था, मतलब कि आपने फर्स्ट टाइम आपने कब सोचा था कि मुझे यूपीएससी एज ए कैरियर परस्यू करना है? सो मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है हंसराज कॉलेज से, ओके, एंड मैं फाइनल ईयर में थी और तब तक मेरा जो गोल था वो यही था कि मुझे को करिकुलर में अच्छा परफॉर्म करना है, सी बी अच्छी बनानी है, एंड मुझे एम बी ए के लिए मतलब मोस्ट लाइकली फ्रॉम फॉरन अप्लाई करना है। तो मतलब आप कॉलेज में उसमें आए? हाँ, मेरा फुल मतलब मैं कॉलेज में, जैसे अभी तो बहुत ट्रेंड चल गया है कि 11th 12th से भी बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं यूपीएससी, एंड इवन वो लोग बीए करते हैं इसीलिए कि कॉलेज में भी साइड बाई साइड तैयारी करते रहे, बट मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कॉलेज में भी, और मतलब माई डिग्री वॉज फाइन कि मुझे ये था कि डिग्री के बाद मैं एम बी ए परस्यू करूँगी और प्राइवेट सेक्टर में आई विल जॉइन। तो उसके लिए भी मेरा प्लान था कि मैं पहले एमबीए कर लेती हूँ, मेरा ना हमेशा से थोड़ा कॉलेज के दौरान आपका प्लान ऐसा था कि एमबीए करने का? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो तब मेरे दिमाग में नहीं आया था यूपीएससी का, ऐसे कभी बचपन में सुना था आईएएस ऐसे बनते हैं, 11th 12th में सुना था कि कुछ टॉपर्स निकले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गए थे, तो वो चीज़ लगती थी कि यार एक साल में भी बताओ आईएएस आजकल बन पा रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ये होता था कि 5-5 साल लोग लगे हुए। तो वैसे भी आप फर्स्ट टॉपर इन यूपीएससी एस्पिरेंट फील्ड में किसको आपने फर्स्ट टाइम सुना था जो, मतलब टीना डाबी थी वो? तो टीना डाबी एज ए टॉपर, उनसे आप इंस्पायर हुए? एग्जैक्टली, प्लस आपने देखा भी होगा बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो वो एकदम मेगा न्यूज थी कि जिन्हें आईएएस का भी नहीं पता होगा, इनकेस बच्चों को
तो उन्हें भी पता चल गया था कि ऐसे कोई सर्विसेज होती है कुछ काफी ज्यादा ही वायरल हो गई थी। हाँ जी, तो वही मेरा फर्स्ट ऐसे इंटरेक्शन था। मुझे पहली बार लगा था कि अच्छा एक साल में पॉसिबल हो सकता है, बट वो बैक ऑफ द माइंड का थॉट था, ऐसा नहीं हुआ था कि अच्छा ये बनी है तो मैं भी बन जाऊंगी, बट ये था कि ओके इट इज पॉसिबल, इट इज सम, मतलब पहली बार मैंने उस एग्जाम के बारे में तब सर्च किया था, तब मैं मोस्ट लाइकली 12th में रही थी। तो ये वो जर्नी थी। बाकी 12th तक माई एम वॉज कि मुझे अच्छी परसेंटेज लानी है, अच्छा कॉलेज चाहिए एंड उसके बाद आई विल थिंक। तो मेरा हमेशा से ना थोड़े गोल्स ऐसे रहे हैं कि 2-3 साल कि मैं प्लान्स करके चलती हूँ कि अगले 2-3 साल के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कि उसके बाद फिर विद द फ्लो आई विल सी कि मैं करना क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 11th में कॉमर्स ली थी तो मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि मैं CA की तैयारी कर सकती हूँ, मतलब मैं पढ़ाई में फिर भी अबव एवरेज कह सकते हैं। तो हाँ, मतलब थोड़ा हम्बल होने की ट्राई करूँ तो, बट ऐसा वाला था मेरा। बट मुझे यही था कि दो, मतलब ये प्लान होने चाहिए 2-3 2-3। तो जब मैं 11th में मैंने कॉमर्स ली तो मुझे ये था कि या तो CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, बट ओवर द टाइम 12th में आते आते मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन है। ये आयरनी है कि मुझे तब ये लगा, मैंने ये सोचा कि उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है CA एंड CS में, एंड आई वॉज लाइक कि MBA अच्छी फील्ड होती है, अभी फोकस करते हैं सिर्फ 12th के मार्क्स में और यही फोकस रखेंगे अपना कि मार्क्स अच्छे आ जाए। तो मैं 11th तक भी बहुत कोकरिकुलर में रहती थी, डांस में, ड्राइंग में, हाँ स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अपफ्रंट स्पीच वगैरह में रहती थी, मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपके मतलब चाइल्डहुड से। हाँ, थोड़ा शौक रहा है मुझे कि पढ़ाई के अलावा चीज़ें थोड़ा बैलेंस करने में मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो बट 12th में वॉज लाइक एकदम फोकस्ड होकर तैयारी करती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, बाकी सब चीज़ें मैंने ऐसे कट ऑफ कर दी थी। 12th हुई, अच्छे मार्क्स है, तो जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं या मोटिवेशनल वीडियो में दिखाते हैं ना कि आप अपना एम अपने सामने रखिए आंखों के सामने, तो मैंने उस तरह से अपने कॉलेजेस के नेम लिखे हुए थे उसमें, 3-4 मैंने लिस्ट बनाई थी 12th के बाद, 12th के पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए। हाँ, इस कॉलेज में मैं टारगेट, तो हाँ ये मेरे टारगेट हैं और इनमें कट ऑफ परसेंटेज 90+ तो मेरे को लाने पड़ेंगे तभी मेरे को एडमिशन मिल पाएगा। अरे यार, मतलब 12th में टारगेट कर रहे थे परसेंटेज को लेके। हाँ, कि मुझे, और फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी था, मतलब थोड़ा साइंटिफिक टाइप सब्जेक्ट्स मुझे पसंद नहीं है तो मैंने साइंस इसलिए नहीं ली थी, तो मैथ्स भी नहीं पसंद थी, बट बिकॉज मेरे को ये था कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, उसमें मैथ्स कंपलसरी होती है। तो उस वजह से जैसे मैं मैथ्स साइड बाई साइड कर रही थी, तो मतलब मैं इस तरह से थोड़ा फोकस रह रही थी कि जो मेरे छोटे वाले गोल्स हैं एकदम माइनर की जो इंपॉर्टेंट है, तो उनकी मैं अपना डेटाबेस रेडी रखती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि परसेंटेज अच्छी है बाद में पता चल रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज मैथ्स नहीं ली मैंने। सो दैट वाज द थिंग कि कॉमर्स विद मैथ्स मैंने ली थी एंड फिर लकीली मेरा हंसराज में नंबर आ गया था तो वो ज्वाइन किया। थर्ड ईयर तक आते आते भी मैं ऐसे थी कि नहीं, आप कॉलेज के टाइम में लोग क्या परसेंटेज दिखते हैं क्या कि मतलब? हाँ जी हाँ जी, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं सामने टीम से पढ़ाई है, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे कट ऑफ जाती है परसेंटेज बेसिस पे। इस बार तो CUET शुरू हो गया, एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, बट लास्ट ईयर तक भी जो आपके 12th में मार्क्स आते थे उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अच्छा जी, तो वो उसमें भी होता है कोर्स वाइज परसेंटेज निकलती है कि मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, मैथ्स ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, इनकी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, बी कॉम की थोड़ी कम जाती है, उसमें मैथ्स नहीं चाहिए होती, तो मतलब इस तरह से कैटेगरीज होती है कॉलेज वाइज। तो हंसराज कॉलेज तो शायद टॉप टॉप लिस्ट में आता है डीयू। हाँ जी हाँ जी, टॉप 3 4 में आप कह सकते हैं, टॉप 3 में आता है क्या? हाँ एक्चुअली नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली तो जरूरत नहीं था, मतलब मैं सरप्राइजिंग क्योंकि मेरा एजुकेशन डीयू से नहीं हुआ। अच्छा ओके ओके, तो आप टॉप 3 कॉलेज में हंसराज आता है, राइट? तो आपने कॉलेज के दौरान में आपने काफी प्लानिंग की, 12th के दौरान ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे टॉप कॉलेजेस में जाना है और अच्छे परसेंटेज लाना है, राइट? तो आप ग्रेजुएशन कर लिए, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कब आपने ऐसा डिसाइड किया कि यूपीएससी एज ए ड्रीम परस्यू करना है, मतलब कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, तब तक भी मैंने एक्चुअली GMAT दिया था, आई स्कोर डिसेंट, और क्योंकि मैं कोकरिकुलर वगैरह में सब में बहुत थी, मैं इलेक्शंस में खड़ी हुई थी, डांस सोसाइटी में थी, तो मतलब मैं इस तरह से कॉलेज में वापस, मैंने जो मैंने 12th में त्याग किया था कि नहीं 12th में फोकस जो कि पढ़ाई करनी है, तो कॉलेज में आके मैं वापस से उस जोन में थी कि जितना को करिकुलर में पार्टिसिपेट कर सकूँ करूँगी। तो मेरा पर्पस था कि मुझे CV स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि MBA के लिए मुझे हेल्प मिले, क्योंकि तब ये गोल था ही नहीं कि UPSC करना है और इन सबको साइड में करना है। तो 12th, फिर मैंने थर्ड ईयर के फाइनल जो सेमेस्टर था
उसमें मैं उसी टाइम आया था क्या टीना डावी का रिजल्ट? वो तो 12th की बात थी। अच्छा अच्छा 12th की। एक्चुअली अपने 12th में टीना डावी को देखा था। ओके, उसके बाद आपने अच्छा प्लान कर, उसके बाद भी आपने प्लान तो नहीं की? नहीं नहीं, तब नहीं करी थी, बट शी वाज द फर्स्ट पर्सन जो मैंने सोचा था कि अच्छा आईएएस यूपीएससी भी कुछ। हां जी हां। अच्छा अच्छा, उससे पहले पता था क्योंकि मुझे अभी भी याद है कभी मैं जब छोटी थी तो टीचर्स पूछते थे वैष्णवी आप क्या बनना चाहते हो, तो मुझे पता नहीं था आईएएस एग्जैक्टली क्या है, बट मैं बोल देती थी कि आईएएस बनना चाहती हूँ क्योंकि टीचर बड़े खुश हो जाते थे सुन के कि भौकाल बनाने के लिए सही। हाँ हाँ, टीचर बड़े ऐसे कि अच्छा अच्छा आईएएस बनना है बेटा, वेरी गुड ऐसे करके, तो मैंने कहा अच्छा ही आंसर है, तो मैं यही दिया करती थी। स्मार्ट गर्ल। हाँ, मेरे को बहुत डिटेल में नहीं पता था तब भी कि होता क्या है। तो फाइनल सेमेस्टर में, और ये जो मैं स्टोरी अभी तक बता रही थी ना कि मैं 12th में फोकस्ड थी या को करी, वो उसका रीजन अब यहाँ आएगा कि कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर में मुझे ये लगा मैं फिर थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचने लग गई, आरओआई कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी बाहर से पढ़ के आऊँगी और फिर मुझे लगेगा कम से कम 20-30 लाख रुपए तो लगेंगे फॉरेन स्टडीज के लिए। हाँ, और उसमें मेरा एक्चुअली प्लान एमबीए की बजाय मास्टर्स इन मैनेजमेंट का हो गया था बिकॉज वो एक साल का कोर्स होता है। तो मुझे ये लग रहा था कि यार एक साल ही हो तो बेटर है, मतलब 2 साल लगाना मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। प्लस तब तक क्या हुआ था, मेरे कॉलेज में एक दो दोस्तों से बात होनी शुरू हो गई थी जो कि सोच रहे थे कि वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। वो एक टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने मुझे इतनी डिटेल में इसकी बातें बताई, पहली बार मुझे पता चला कि यार ये है, ये बेनिफिट्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी, कॉलेज सर्कल का, कॉलेज सर्कल जी जी, वो लोग क्योंकि तैयारी करने का सोचना शुरू कर रहे थे तो उसके थ्रू आपका मतलब यूपीएससी परस्यू करने का आया नहीं। और उसमें भी उन्होंने ये सब बताया कि यार पढ़ाई का तो सोच ही रही है, इतना अधिक पैसा भी लगता है, अगर तू आईएएस बन जाएगी फिर तू पढ़ने जा सकती है और गवर्नमेंट फंडेड हो सकती है वो चीज़। तो ये भी एक फैक्टर था। फिर 2-3 फैक्टर्स फिर इस तरह से कि सारी बेनिफिट्स की यार सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई में तो देखा तुम अच्छे है सब साथ में पढ़ लेंगे और ये सब चीजें सुनी मैंने, तो मुझे भी लगा कि अब क्या है कि मेरी पढ़ाई से टच कम हो गया था और कम भी कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स लिमिटेड था। और डीयू में एक ट्रेंड होता है कि सब लोग ना एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, उससे पहले सब लोग सोसाइटीज में लगे रहते हैं। सोसाइटीज लाइक कोकरी का एक ट्रेंड है मैं। हाँ, मतलब अगर आप नॉर्थ कैंपस की बात करें तो यही है। तो हंसरा नॉर्थ में है क्या? हाँ जी, नॉर्थ कैंपस में आता है। तो उसमें ये ऊपर से फेस्ट वाला सीजन चलता है। यस यस, फेस्ट हो गया। हाँ जी, तो वो वाले जोन में सब लोग रहते हैं, बस एग्जाम से एक महीने पहले से पढ़ाई करते हैं और हो जाते हैं। तो मुझे एक बार कभी ना डाउट नहीं आया कि यार अब मुझे सब ये छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, कर पाऊंगी क्या? तो मुझे लग रहा था कि यार मैं 11th तक भी स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट करती थी बट सब मैं छोड़ के पढ़ पाई थी, तो मैं अब भी पढ़ पाऊंगी। अब मैंने उतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया कि 12th की पढ़ाई और इसमें बहुत फर्क है, बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि पढ़ना ही है, पढ़ना मेरा थोड़ा कम्फर्ट जोन है, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मैं सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई कर पाती हूँ, ऐसा मुझे था, मतलब कर भी लेती हूँ मैं, तो मुझे ये था कि इजी रहेगा। तो मतलब आपने 12th के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि है एबिलिटी अंदर। हाँ, एबिलिटी है तो अंदर तो है, मतलब कि निकाल सकते हैं यूपीएससी। टीना डावी निकाल सकती है तो हम भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, अगर उन्होंने एक साल में करी ली है तो 2 साल में तो हम कर लेंगे। ओके ओके, ये वाला कांसेप्ट था। तो वो चीज थी, थोड़ा गई आरओआई लग रहा था, थोड़ा लास्ट में आते आते ना मुझे ये लगने लग गया था, मुझे एसओपीज वगैरह का टाइम शुरू हो रहा था कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, और मुझे वो थोड़ी फीलिंग आने लग गई थी कि मैं तो बहुत दूर चली जाऊंगी, थोड़ा सा वो होम सिकनेस, तो मुझे भी लगा कि यार अल्टीमेटली आईएएस बनेंगे तो उसकी ज्यादा चौड़ है। तो आईएएस ही बनते हैं, तैयारी ही तो करनी है, मेहनत ही तो करनी है। तो वो वाली चीज थी। और आयरनी ये थी कि मैंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी और वो जो तो मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो करने वाले थे उन लोगों ने प्लेसमेंट ले लिया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, तो धोखा हो गया। हम धोखा कर गए या कुछ भी, मतलब वो सिचुएशन ऐसी बस हो गई, प्लेसमेंट हो गया वो लोग, मतलब हाँ वो लोग कॉलेज से ही प्लेस्ड हो गए। ओके, हाँ। और तो मेरे साथ में मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल का कोई भी तैयारी नहीं कर रहा था, मेरी पूरी क्लास तो आधी सीए के लिए तैयारी में चली गई थी बिकॉज बी कॉमर्स वाले या आधे एमबीए के लिए चले गए थे। तो बस ये तो ग्रुप था, ये था, और सिर्फ मैं थी जो अब यूपीएससी वाली तैयारी में कूद गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2-3 साल है पर रिटर्न बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एमबीए करूंगी मैं, फिर मैं सोचूंगी वहीं पे रह के कि यार 1-2 साल उसको जितना लगाया है पैसा उतना कमा के फिर इंडिया वापस आया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि 2-3 साल इसमें लगा दूं, पेरेंट्स भी खुश। मतलब सही डिसीजन था आपका, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस थे उस टाइम परस्यू करने के लिए, लेकिन मुझे सही लगा कि मतलब कि
सही था मतलब बढ़िया था। तो वैष्णवी मुझे अब ये बताओ कि आप कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में यूपीएससी का थॉट आया आपके पास जी, और उसके बाद कॉलेज एंड हो गया होगा लास्ट सेमेस्टर, उसके बाद आपने जस्ट पास आउट होने के बाद तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था आपने यूपीएससी की, आप वेट किए थे 6 मंथ और 1 ईयर। तो लास्ट सेमेस्टर में मेरा एकदम पक्का हो गया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी ही है। ओके। मेरी रूममेट थी, उन्होंने मुझे समझाया भी था कि एक साल तो पूरा एग्जाम का ही जाता है और एक साल आपको तैयारी भी करनी है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो देख लो मतलब आर यू श्योर। तो मेरी रूममेट थी वो मेरे से 3-4 साल बड़ी थी एंड मतलब काफी इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस थी। हाँ जी, तो उन्होंने बोला, तो मैं ऐसी थी कि ठीक है दी पढ़ना ही है पढ़ लूंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे फिर ये हो गया था कि अब लास्ट डे है कॉलेज, अब मैं क्योंकि इतनी सारी सोसाइटीज में थी तो सबके फेयरवेल वगैरह होने थे, तो मैं ऐसी थी कि यार पूरा एंजॉय कर लेती हूँ कॉलेज लाइफ खत्म करके, फिर सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई शुरू करनी है। तो कॉलेज के लास्ट डे तक भी तैयारी नहीं की थी मैंने। मैंने वहाँ पे एक पटेल चौक करके एक बुक्स का हब टाइप एरिया है, मुखर्जी नगर भी वहाँ पड़ता है, तो मैं मुखर्जी नगर गई थी शायद से, और फिर भी एनसीईआरटी खरीद के ले आई थी क्योंकि वो एक बेस होता है कि आपको वहाँ कोई भी वीडियो खोलोगे कि तैयारी कैसे करें तो सब यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं वो ले आई थी, पर मुझे याद हो मेरी बुक रूम में रखी रही थी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था ओपन नहीं किया। हाँ, और ये लग रहा था कि यार पढ़ना ही तो है तो वो तो सब कर लेंगे एक बार तैयारी एक बार खत्म कर। कॉलेज जब खत्म हुआ उसके बाद मेरा प्लान ये था बेसिकली कि एक तो ना मेरे पास 2 साल थे बिकॉज ऑफ माई एज, तो उसमें जो मिनिमम एज चाहिए होती है मुझे 2 साल बाद में नहीं होनी थी, मतलब कि 2020 में, मतलब ग्रेजुएशन आपका 20 में, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उस टाइम आपको मतलब एलिजिबल आप 2 साल के बाद हुई थी। ओके ओके। तो उसमें मुझे ये था कि 2 साल है अब तो मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑप्शनल की तैयारी शुरू करती हूँ पहले। और बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, कोई मेरे साथ वाला भी तैयारी नहीं कर रहा है, तो मुझे ये था कि बाजी राम एंड रवि का नाम सबने सुना होता है। yes, तो हाँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि क्या करना है अभी कैसे, बट मैं ऐसे हुआ कि पहले उसमें चली जाती हूँ ऑप्शनल की कोचिंग के लिए, और कोचिंग का मैंने सुना था कि ऑप्शनल के लिए ठीक है, मतलब मेरे एक सीनियर पढ़ रहे थे वहाँ, तो बोला था कि हाँ ठीक है ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मैंने ज्वाइन कर ली थी। और मेरा प्लान ये था कि मेरी तो तैयारी मैं तो मतलब जीएस के लिए एक और साल है, तो मेरे साथ में जो बच्चे होंगे वो पढ़ रहे होंगे तो मैं उनसे समझ पाऊंगी कि जीएस के लिए क्या बेटर है, कैसे पढ़ना है, क्या कैसे प्लानिंग करनी है। तो ये ऑप्शनल आपने डिसाइड कर ली क्योंकि अर्ली काफी मतलब 2 साल के बाद ही देना था आपको यूपीएससी, तो आपने ऑप्शनल फील लेके डिसीजन ले लिया आपने। तो आपने कौन सा ऑप्शन लिया था? सो मैंने लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी। तो उसका रीजन था कि हम लोग बीकॉम ऑनर्स में मैनेजमेंट पढ़ते हैं और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेस होता है। ओके ओके। तो मुझे जब मैंने सिलेबस देखा पबेड का तो फैमिलियर सा लगा, मैंने कहा ये तो थोड़ा लग रहा है कि डूएबल है। यस यस। तो फिर मैंने वही टेकअप कर लिया था, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था बिकॉज मुझे लगा कि कॉमर्स लूंगी तो टफ पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल वाली चीजें भी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह भी था, तो मुझे लगा उसी में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो दूसरा बेस्ट मुझे पबेड लगा, तो मैंने वो पिक कर लिया था एंड उसकी कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली थी मई या जून में मेरे कॉलेज खत्म हो गया था और अक्टूबर से मेरी तैयारी मतलब ये कोचिंग शुरू होनी थी। तो तब तक मेरा प्लान था मैं एनसीईआरटी से जो मैंने खरीदी हुई थी अक्टूबर, हाँ अक्टूबर तक वो पढ़ लूंगी, मैं घर आ गई थी और उसके बाद मेरा ये था कि अक्टूबर में मेरी करोल बाग में कोचिंग ज्वाइन करनी थी तो उसके बाद से वो शुरू कर लूंगी। तो अक्टूबर से 3 महीने तक मेरी वो कोचिंग चली थी करोल बाग में, फिर मेरा तब तक मैं जी जी तो तब मेरा रूटीन यही रहता था बस कि मैं ऑप्शनल फोकस तैयारी कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी और एनसीईआरटी पढ़ती थी। और मेरा ये भी प्लान था कि अगर मुझे लगेगा कि जीएस की कोचिंग नहीं लेनी है तो मैं खुद से ही तैयारी कर लूंगी, बट ऐसा नहीं लगा, मुझे लास्ट में लगा कि 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, बट वो एक होता है ना कि तो ऑप्शनल के बाद भी तो आपको 6 मंथ 1 साल के बाद भी आपको 1 साल और था ना। जी 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 मतलब 1.5 साल से मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मिड में आई थी मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी ये वाली, और हाँ फिर 1.5 साल ऑप्शनल। तो देखा जाए तो यार वैसे भी आपका जो यूपीएससी का जर्नी काफी अर्ली स्टार्ट कर दिया था आपने, बट टाइम से हाँ, बट मैक्सिमम लोग तो यार ग्रेजुएशन के बाद मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियर्स बात कर रहा हूँ मैं, लोग ग्रेजुएशन के 1-2 साल के बाद जॉब करने के बाद भी आता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आपका जर्नी कंपेयर किया जाए तो आप काफी अर्ली स्टार्ट कर दिए, आपने ऑप्शनल कर लिया वो कर लिया, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट आते हैं अपन जी, ठीक है। तो वैसे भी आप मुझे ये बताओ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का कब दिए थे, और हाँ ये बता दीजिए कब दिए थे आपने।
फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2020। ओके 2020 दिया था आपने, राइट? और शायद आपने प्रॉपर्ली पढ़ के भी दिया था, राइट? हाँ जी, एक्चुअली तैयारी अच्छी चल रही थी। अच्छा, क्योंकि भाई सब एक वही चीज़ हो रही थी मेरी लाइफ में जो थी पढ़ाई। तो वैष्णवी आप मुझे बताओ कि आप ओआरएन में रह के तैयारी करते थे कि होम टाउन में? मैं ओआरएन में रह रही थी, मैंने जीएस की कोचिंग के लिए एनरोल कर लिया था। हाँ। पूरे वो साल की कोचिंग थी, मतलब 2020 के अटेम्प्ट 2019 में आ गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। 2019 में ओआरएन, मैं 2018 के भी लास्ट में थी यहाँ पे फॉर ऑप्शनल कोचिंग। फिर मैंने अपनी जीएस की फाइनल कर ली थी यहाँ पे, जो कि मई से शुरू होनी थी। एक्चुअली मेरा घर पास ही है दिल्ली से। ओके, ओके। तो मैं वापस से 3-4 महीने के लिए घर से तैयारी कर रही थी, मुझे क्योंकि पक्का नहीं हुआ था कि कोचिंग लूँ या ना लूँ। अब मुझे फुल फ्लेश जीएस पढ़नी थी खुद से। ओके, ओके। मैंने खुद से पढ़ाई करी 3-4 महीने अच्छे से, पर मुझे लगा कि एक होता ना कि अब तो आपने सब पढ़ लिया, एनसीईआरटी हो गई, बट अभी भी आपको पता नहीं कि आपको पेपर कैसे, पेपर के सामने आप प्रेजेंट होंगे तो कैसे आप कर पाओगे कुछ। और उस टाइम तक इतना ज्यादा जितने इस टाइम पे अब है ऑनलाइन सोर्सेस, तब उतने नहीं थे। Yes, you are right. तो मेरा ये हो गया था कि हाँ कोचिंग आई विल ज्वाइन, और मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैं वापस से ORN आ गई थी। बस बात ये थी कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था तो कोविड आ गया था। Yes, you are right. और उसमें शायद 2020 में ये भी हो गया था कि जून में प्रीलिम्स था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, अक्टूबर में आ गया था, 4 अक्टूबर। हाँ जी। Yes, yes, you are right. तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। वो एक्चुअली में बुरा हुआ मेरी प्रिपरेशन के लिए काफी। okay. क्योंकि मैं बहुत ही रिदम में चल रही थी, पहले अटेम्प्ट के लिए सब बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, और मैं क्योंकि घर पास था मेरा तो मैं वीकेंड पे घर आई हुई थी, क्योंकि एक दिन की छुट्टी थी। मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि भाई एक दिन के लिए सब अपने अपने घर रहेंगे, सब बंद होगा। तो मैंने सोचा कि छुट्टी है, कोचिंग की भी छुट्टी है, घर हो आती हूँ। मैं घर गई हुई थी, बुक्स वगैरह लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे मंडे से वापस आना था। हाँ, बॉर्डर सील हो गया। ओके ओके ओके। तो मैं ला ही नहीं पाई मेरी बुक्स, न्यूज़पेपर आना, मतलब मेरा सभी कुछ। ओके ओके, मतलब ट्रेजेडी टाइप ही हो गया, मतलब क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उस टाइम तो। ओके ओके। और अभी लगता है जैसे ना लोग कह रहे ऑनलाइन पढ़ लेते, तब था नहीं, आपके कोचिंग वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि कंटिन्यू कैसे करें जो कोर्स बचा है। मेरी कोचिंग बच रही थी 2 महीने। तो मैं एग्री करूंगा क्योंकि मैं खुद सफर किया हूं, कोविड ने काफी बर्बाद किया है यूपीएससी एस्पिरेंट का टाइम। तो ठीक है वैसे भी वो तो सही था आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपने, फिर उसके बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया वो कौन सी ईयर में? 2021। और मैंने लगातार 4 अटेम्प्ट दिए। ओके ओके, 2021 में आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, राइट? वो जो 2021 का अटेम्प्ट जो थी बता रहे हो, वो आप ओआरएन में थे कि होम टाउन में? फिर मैं घर ही शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, जब मैं एक बार लॉकडाउन के टाइम पे घर गई तो फिर एक महीने बाद मेरी बुक्स आ पाई थी, तो फिर तो बुक्स आ ही गई थी, पता ही नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। कोचिंग मेरी ऑलमोस्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो फिर हमें कोई पर्पस नहीं रह गया था। हाँ जी, तो फिर मैं ऐसी थी कि घर से तैयारी कर लेते हैं, और वही एमजी वाला रहता था कि पढ़ना ही तो है, कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो मैं ऐसी थी कि घर पे पढ़ लूंगी, कोचिंग हो ही रही है यहाँ से। तो फिर उसके बाद से मैं ORN नहीं रही एक बार भी, एक भी अटेम्प्ट के लिए मैं रही घर पे ही। अच्छा, और घर पे मतलब मेरे काफी ऐसा पीसफुल माहौल है, पढ़ाई का अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रगल है ORN में एस्पिरेंट के लिए, अगर आप रह रहे हैं तो। और काफी डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है अगर आपके फ्लैटमेट्स अच्छे ना हो या आपके लैंडलॉर्ड अच्छे ना हो तो। मतलब आदमी डेली एस्पिरेंट्स आता है तैयारी करने के लिए, लेकिन आधा टाइम तो उसका जो ऑनर होता है फ्लैट का, उनसे कोविड से पहले इतना नहीं मिलता था, कोविड के बाद से बड़ी बड़ी कोचिंग ने भी अपना सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया था, तो वो टाइम सही था एकदम। प्लस मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा घर पे, उसको सही माहौल मिल रहा है, एक अलग कमरा मिल पा रहा है, तो उसको घर पे ही रह के ही करना चाहिए। करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल। ये वैसे भी आपको ये बताओ कि आप, आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो कौन सा अटेम्प्ट था? एक्चुअली दो लास्ट अटेम्प्ट बोलूंगी मैं। 2022 में मेरा फुल फ्लेश्ड वाला लास्ट अटेम्प्ट था, जब मैं पूरी तरह से तैयारी करती थी, फुल डे बस मैं तैयारी पे फोकस्ड थी। और 2023 में वैसे मेरा ऑफिशियली लास्ट अटेम्प्ट था, बट तब मैंने मतलब मैं जॉब ज्वाइन कर चुकी थी, 6 महीने से तैयारी के टच में उतनी रही नहीं थी। उसमें निकला था, और वो चीज उसके बाद भी ना मैं ऐसे थी, मैं मोटिवेटेड थी, बिकॉज
बाकी सारे जो मेरे प्रीलिम अटेम्प्ट्स थे उनमें मुझे ना बार बार 6 से 7 महीना मिल पाता था प्रीलिम पे ध्यान देने के लिए या इवन पूरी एग्जाम साइकिल पे, बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे थे कोविड की वजह से, कभी एक लॉकडाउन लग रहा था कभी दूसरा, तो हमारे बार बार ना लगातार 3 बार एग्जाम 4 महीने पोस्टपोन हुआ था. Yes. तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको टाइम कम मिलता था. Yes. तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरे साल की बन ही नहीं पा रही थी चाह के भी. Okay. तो जब मैंने 2022 वाला अटेम्प्ट दिया तो भी ऑब्वियसली मैं हताश हुई रिजल्ट देख के, ऐसा लग रहा था कि क्या पता निकल जाए, बिकॉज पेपर अनएक्सपेक्टेड सा था, बोल रहे थे कट ऑफ कम जाएगी, तो मुझे लगा था कि शायद से हो भी सकता है क्लियर हो जाए. Okay, okay. तो वो नहीं हुआ. देन आई वॉज लाइक कि कोई नहीं, एक अब पूरा साल अब मिल रहा है तो मैं मेंस की अच्छे से करती हूँ पहले. अच्छा. और क्लोजर टू द एग्जाम मैं तैयारी करूंगी अपना प्रीलिम्स की. हर बार वरना प्रीलिम फोकस ज्यादा हो पड़ा था. Yes. तो मैं मेंस की तैयारी कर रही थी अच्छे से, और मुझे अभी भी याद है सितंबर का टाइम होगा, सितंबर अक्टूबर में मैं ना वापस से, पर थोड़ा दिमाग में ऐसा आया था मेरी मेंस की, मैंने बहुत टाइम बाद वापस से कोई कोर्स ज्वाइन किया था, वरना मैं खुद से तैयारी कर रही थी. अच्छा. कोर्स था मेरा ऑनलाइन. Okay. उसमें वो रोज आंसर राइटिंग कराते थे. Okay. तो वो मैंने आंसर राइटिंग के ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ अलग पढ़ पा रही हूँ मैं, और मुझे लगता है तैयारी में आप जब भी कुछ अलग पढ़ पाते हो ना आप वापस से मोटिवेटेड हो जाते हो. Mm-hmm. कुछ नया सा फ्रेशनेस ही आ जाती है. तो वो चल रही थी, फिर मुझे याद है मैं एथिक्स का वो मॉक टेस्ट दे रही थी और मुझे थोड़ा सा टफ लगा. अच्छा. फ्रैंकली टफ भी लगा. और थ्योरी पार्ट अटेंड कर रही थी कि केस स्टडी? केस स्टडी थी. अच्छा. केस स्टडी नहीं थी एक्चुअली, थ्योरी थी. केस स्टडी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी. अच्छा अच्छा. हाँ. और फिर मैं ऐसे, मतलब मुझे ना एकदम से टायरिंग सा लगा, मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी. ओके ओके. और मुझे, मैं लिख रही हूँ, मुझे याद है वो मेरा 1.5 पेज हो गया था, और मैं वापस से ऐसे ना मतलब पेन ऐसे कि यार पढ़े ही जा रहे हैं, मतलब मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी घर के पास. Okay. उस लाइब्रेरी में मुझे हो गए थे शायद से 1.5 साल. या या. घर के बिकॉज बहुत पास थी तो मैं वहाँ पे दिन भर वहीं पे पढ़ती हूँ. जब अभी याद है लाइब्रेरी में बैठ के मैं ऐसे बस पेन छोड़ के मैं बस सोच रही थी, लिखते लिखते आपको तो एकदम से होता ना कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, क्या वही करे जा रहे सेम. तो फिर मैंने ना सिंपल ये जो इंसिडेंट बता रहे हो आप 2023 में, कौन से मंथ का इंसिडेंट बता रहे हो? ये होगा आपका सितंबर का, मान सकते हैं सितंबर का टाइम है. 2022 क्या कर, तो मुझे अंदर से आया कि कुछ सर्च करती हूँ ऑनलाइन कुछ. तो मैंने गवर्नमेंट फेलोशिप्स. तो उसमें 2-3 आए. Yeah. एक आया जो मुझे अलग से चमका, बिकॉज उसमें स्टाइपेंड अच्छा था. Okay, okay, okay. Yes, yes, yes. तो मैंने कहा कि इसको देखते हैं. आयरनी ये थी कि वो गवर्नमेंट की फेलोशिप तो नहीं थी. Yes. बट उसमें फ्रेशर्स एलिजिबल थे और वो थी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड. Okay, okay. और उस वीडियो से पहले मुझे पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी क्या होती है. अच्छा. यू नो नथिंग अबाउट पॉलिटिकल? नथिंग. मुझे पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करता है. ओके ओके. तो फिर मैंने देखा और लिटरली, मतलब ये तो मैं, मतलब व्यूवर्स को मैं बता दूं कि मैंने अल्टीमेटली वही ज्वाइन किया है, मतलब मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूं अभी. एक साल हो गया मुझे. या, या. तो वो जो मैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैंने ये चीज की थी, तो हाँ मैंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का देखा. तो आप ये वाइज बता दो वो वीक कैसा गया था आपका, जैसे मतलब 2022 में सितंबर मंथ में आप केस स्टडी कर रहे थे, उस दौरान आपका एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाली आइडिया आया और फर्स्ट टाइम ही आया. तो उसके बाद आने के बाद आप मुझे एक वीक का बता दीजिए क्या चल रहे थे आपके लाइफ एक वीक का. तो आप कैसा था, मतलब कि आप उस थॉट आने के बाद क्या सोचने लगे, अल्टरनेटिव्स क्या, मतलब ऐसे मतलब कुछ था क्या एकदम एग्जैक्ट बताऊं? हाँ. सितंबर का लास्ट वीक था ये. अभी मुझे और थोड़ा क्लियरली डेट याद आ रही है. इट्स ओके. हां जी. तो सितंबर का लास्ट वीक था. मैं ऐसे थका, मैंने वो देखा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कुछ होता है, उसमें ये था कि एलिजिबल है फ्रेशर्स भी, और तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था. मैंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी समझूं. पहले मैं ये थी कि इनका प्रोसेस देखती हूँ कि है क्या. yes, yes. उनका प्रोसेस था कि सीवी भेजनी है और एसओपी लिख के भेजना है. yeah. तो मैंने सोचा, मैंने कहा अप्लाई तो कर ही देते हैं, बाद में सोचेंगे. मैंने ये नहीं सोचा कि तैयारी छोड़ रही हूँ मैं. okay. मैंने बस ये सोचा अप्लाई कर देती हूँ, कुछ बुराई नहीं है. तो मैंने तैयारी, मैंने फिर सीवी का देखा. मेरी सीवी थी
2018 में मैंने कॉलेज के टाइम पे बनाई होगी, उसके बाद से सोचा ही नहीं कभी सीवी का। अच्छा, तो आप सीवी भी तो बनाना पड़ेगा अप्लाई कर रहे हो तो। यस यस, वो भी मैंने लाइब्रेरी में बैठ के बनाई थी सीवी। तो मैंने फिर ढूंढा पहले तो कि मेरी पुरानी वाली है कहाँ पर। इतना ना याद है, जैसे मुझे अपनी सोसाइटीज के नाम याद थे, पर मतलब मुझे वो चीज जब मैं अपनी सीवी वापस से अपडेट कर रही थी तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि मुझे अपनी सोसाइटीज के पेजेस फेसबुक पेजेस पे जाके देखना पड़ रहा था कि 2018 में हमने जो प्रोजेक्ट किए थे उनके नाम क्या थे। ओके ओके, क्योंकि इतना याद ही नहीं रहता ना तो। yes. चीज इतनी छोड़ चुके हो तो वो सब मैं हाँ। और जब मैं अपनी सीवी लिख रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि यार इतना सब करा था और सब पानी है कि नाम तक ढूंढना पड़ रहा है कि करा क्या था। काफी कुछ किया था जो भूल ही पड़ी हूँ। सीवी मैंने अपडेट की, एसओपी में जब मैं लिख रही थी वो भी एक थोड़ा सा टर्निंग में मानूंगी, क्योंकि एसओपी लिखने से पहले सीवी के लिए मैंने इतना नहीं सोचा था। एसओपी में आपको लिखना होता है कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। थोड़ा मैं इतना फेक नहीं लिख पाती, तब तक चैट जीपीटी का जमाना भी नहीं था। तो मुझे ये था कि एकदम जेन्युइनली मैं लिख रही थी उसमें कि अभी तक मैंने उसमें सारा बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। ये वो मैं अपने कॉलेज में इलेक्शंस में लड़ी थी। तो मैंने फिर वो चीज़ कोट करी कि मुझे, मैंने ना लास्ट में भी लिखा है अपने लास्ट में कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर मुझे पता होता आई वुड हैव अप्लाइड अर्लियर, क्योंकि मैं इलेक्शंस में रही थी तो मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड। दैट आई रोट, मैंने भेज दिया वापस से, क्योंकि मैं ये सब लाइब्रेरी में कर रही हूं। आपने फेलोशिप अप्लाई कर दिया 2 अक्टूबर को, मैंने अप्लाई किया था मुझे याद है। अच्छा, डेट भी एक है 2022 में 2 अक्टूबर को फेलोशिप वैष्णवी ने अप्लाई किया था। काफ़ी यूपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी हो गया था इनको, टाइम हो गया था, तो इसलिए उन्होंने अप्लाई किया फेलोशिप। फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब कोई अल्टरनेटिव देखने का कोशिश किया वैष्णवी ने। तो वैष्णवी आपने फेलोशिप अप्लाई कर दिया तो उसका क्या हुआ, आउटपुट क्या है? मतलब एक चीज मैं बस यहाँ पे और वो कर दूँ, ऑल्टरनेटिव्स मैंने ढूंढे थे पहले भी, ऐसा नहीं, ऑल्टरनेटिव्स पर ढूंढे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के रूप में कि सीएपीएफ कभी दे दिया 2 महीने लग के, ईपीएफ को कभी दे दिया, कि ये लगता था कि यूपीएससी निकल क्यों नहीं रहा है। वो बीच बीच में एक आता है ना टाइम आपके आता है कि यार हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और तैयारी कर ही रहे तो चलो सीएपीएफ दे दो, थोड़ा बहुत सिमिलर है, या ईपीएफ को दे दो। तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढती थी मैं, बट मैंने कभी कॉर्पोरेट में ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढे थे। तो मैंने ये 2 अक्टूबर को किया था। इसका रिजल्ट क्या था? हाँ जी, तो आई थिंक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया होगा 10 से 12 दिन बाद, जिससे मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई थी। तो ये मेरा सक्सेस छोटा सा ही है पर है। तो ये जो चीज हिट हुई ना कि यार कुछ हमें कहीं तो अच्छे लग रहे हैं लोगों को कि कुछ है अभी भी, कि 4 साल का गैप है और आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है। तो मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा एक मोरल बूस्ट है। एग्जैक्टली, कि मतलब वो होता है ना गैप ईयर है तो आप कॉर्पोरेट में तो रह ही नहीं गए हो एलिजिबल, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। 4 साल तो बहुत ज्यादा चीज होती है, बट क्योंकि वो जैसी वो हुई ना, लाइब्रेरी में बैठी थी मैं, मेल आया मुझे, तो मैं बहुत ऐसे हो गई कि यार सीवी तो हो गई है। तो फिर मैंने जब सर्च किया कि ऐसी और भी कंपनीज हैं, तो मैंने सब में अप्लाई कर दिया कि सीवी तो रेडी है, पुश ही तो करना है, मैंने तब फॉरवर्ड कर। तो आप ये बता दो ना, फर्स्ट फेलोशिप आपका जो था वो आपका मतलब सिर्फ अभी सीवी हुई थी, सीवी शॉर्टलिस्ट, सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्ट थी। सेकेंड राउंड था वीडियो राउंड। अच्छा, ये सब भी मैंने लाइब्रेरी नहीं छोड़ी थी, मैं ये सब आप लाइब्रेरी से ही कर रहे थे? हाँ, लाइब्रेरी से ही कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ। आपने फैमिली को बताया था ये सब क्या? हाँ, आप कर रहे हो? मैं बता वो तो हर चीज में बहुत सपोर्टिव रहे हैं योर पेरेंट्स। हाँ, कभी ऐसा प्रेशर भी नहीं, कभी भी। तो पता है ये भी एक बुरी बात होती है, तब जब आपको ये लगता है यार ये लोग इतना कर रहे हैं तब भी एग्जाम ही ना, आपको लगता है ये इतने अच्छे हैं यार एग्जाम ही कर रहे हैं। हाँ, लकी मैं वाकई में हूँ, तो मुझे और लगता था यार इनके लिए निकल ही जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा। एक इमोशन भी अटैच हो जाता है पेरेंट्स के साथ, तो यार इसके चक्कर में यूपीएससी लोग छोड़ भी नहीं पाता इमोशन की वजह से, यार चलो पेरेंट्स के लिए कर लेते हैं अच्छे से। किसी किसी के प्रेशर डायरेक्ट ही देते हैं, और किसी किसी के इतने अच्छे होते हैं कि लगता है यार निकल जाए तो। हाँ, मतलब पेरेंट्स के साइड से आपको कोई प्रेशर नहीं था, वो हर चीज में मैंने उन्हें बताया तो उसमें भी खुश हुए कि बहुत अच्छा किया, अरे तेरा हो जाएगा। वो मैं उन्हें कुछ भी बोलूँ कि ये एग्जाम फॉर्म भरा है, वो कहते थे हो जाएगा। मैंने बोला मैंने इसमें अप्लाई किया, हो जाए तो अच्छा, वैसे कि हो जाएगा कोई तो उनका वही वाला रहता था। तो मैंने इसमें अप्लाई किया, अब मैं पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो गई थी अब मुझे, क्योंकि अब मैं इन्वेस्ट हो चुकी, मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया। हाँ जी, तो मैंने वीडियो राउंड में वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी,
तो अब मैं और ज्यादा, अब मैं खुद से ईमेल चेक करने लग गई थी कि आ रहा है क्या रिप्लाई, हो रहा है क्या. और उनके पास आई थी बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब आई थिंक 2000 कुछ आई थी जितना मुझे याद है, और उन्हें सेलेक्ट करने थे सिर्फ 20. तो उन लोगों को भी प्रोसेस करने में टाइम लगता था. और मैं ऐसे हूँ कि आए रिजल्ट, आई थिंक 15 दिन और चले गए थे, अक्टूबर तो खत्म ही हो गया था, नवंबर शुरू हो गया होगा शायद से. तो अब आप ये समझिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने मेरे मिक्स से थे. मतलब इन लोगों ने टाइम बहुत लगाया था. इसमें तीसरा राउंड हुआ, मेरा सेकेंड राउंड भी हो गया वीडियो राउंड, तब तो मैं और ऐसे हो गई, वो था ना वीडियो राउंड में भी शॉर्टलिस्ट हो गया. हाँ जी हाँ जी, ओके, मैं और इन्वेस्ट हो गई अब इस चीज में. yes, yes. और मैंने ना 2-3 कंपनीज में अब अप्लाई करना शुरू किया था 2 राउंड के बाद, जो इस तरह की कंपनीज हो इस फील्ड की. yes. क्योंकि मुझे ये भी लगने लगा था कि शायद से, क्योंकि मैं इलेक्शंस में रही हूँ तो ये वाली फील्ड मुझे सूट कर रही होगी, शायद मेरी सीवी है उससे कि मतलब ताल्लुकात रख पाएंगे ऐसा वाला कुछ. yeah, yeah. और दूसरा, मैंने अपनी बीकॉम ऑनर्स टाइप वाली जॉब्स के भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था. अच्छा. तो उसमें यूजुअली रोल्स होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के. तो मैंने अपनी एक सीवी इस तरह से अपडेट की थी जो एनालिस्ट रोल को ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाए. और पॉलिटिकल कंसल्टेंट के लिए मैं इलेक्शंस वाली चीजें ज्यादा हाईलाइट करती थी, मैंने वो स्टार्ट कर दिया करना. और थोड़ा बहुत पढ़ाई साइड करती लाइब्रेरी में, अगर कॉल भी आए तो बाहर जाके बात कर ली ऐसा. फिर मेरी दूसरी जगह सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड थी. हाँ. तो जो फेलोशिप वाला इंटरव्यू होना था उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा ये वाला इंटरव्यू हुआ था. okay. दूसरी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था. दिसंबर में हुआ था, 2022. हाँ जी, ये दिसंबर की बात होगी, 2022. हाँ. ये इतना वाहियात गया था इंटरव्यू, बहुत बुरा. अच्छा. मैं यार मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल रॉ ट्रूथ बता रहे हो आपके जर्नी का, कि बहुत बुरा गया था. लोग यार एक्चुअली शेयर नहीं कर पाते फीलिंग्स, आप ऑन कैमरा कर रहे हो उसके लिए मैं आपको नहीं करता. थैंक यू, मुझे लगता है बताना चाहिए यार, पता है इससे ना लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं कि यार, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है मैक्सिमम ऐसे ज्यादा होते हैं कि फेलियर्स पहले देखते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें आ जाता है. तो मेरे 2 इंटरव्यूज थे. हाँ. एक मतलब 24 घंटे के गैप में. अच्छा. तो जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो था जिसमें मैंने बाद में अप्लाई किया था, जो जॉब के लिए था. तो और उसके नेक्स्ट डे होना था वो वाला इंटरव्यू जिसके मैं दो मतलब फेलोशिप जिसमें मैं 2 राउंड क्लियर कर चुकी थी, और तीसरा फाइनल राउंड था इंटरव्यू का. तो मैं ऐसे थी कि इंटरव्यू बोलना है. तो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन? हाँ, टेलीफोनिक इंटरव्यू था. ओके ओके ओके. तो जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ इतने सालों में पहली बार, फर्स्ट ही बोलेंगे एक्चुअली उसको. टेलीफोनिक मतलब कि वीडियो कॉल पे हुआ था कि फोन पे हुआ था आपका? अच्छा अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू. हाँ जी. ओके. और वो गया बहुत ही वाहियात. ओके. मतलब कि मुझे ये लग गया था इंटरव्यू कॉल के बीच में कि अगर मैं इसमें क्लियर हो गई तो मैं डाउट करूंगी कंपनी को कि मेरे को कैसे ले लिया. एक्चुअली वो इतना मतलब उनका पहला मैं ना ऐसे दिखी पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ, मैं नॉर्मली बता दूंगी. बट क्या होता है कि हम इंग्लिश में पढ़ तो रहे हैं पर इंग्लिश में कम्युनिकेशन इतना छूट गया है पीछे, पहले तो कम्युनिकेशन ही छूट गया है. आप किसी से वैसे तो बात करते नहीं हो. यूपीसी एस्पिरेंट लोनली रहता है, मतलब प्रेफर करता है. दोस्त लोगों से कर लेती थी लाइब्रेरी में, अब इतने टाइम से आप 4 साल तक तो इतना कट ऑफ नहीं रह पाते. तो लाइब्रेरी के कुछ कुछ बडीज थे उनसे बात होती थी, बट इस तरह से नहीं होती थी कि आप अपने बारे में सोचो कि आप क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कुछ बताइए. तो मैं प्रिपेयर तो थी ही नहीं. okay. जो मुझे उस टाइम तक लगा नहीं था, मुझे लगा था बात करनी है वो मैं कर ही लूंगी. हाँ. और मैंने स्टार्टिंग में ऐसे फंबल करना शुरू किया. अच्छा. बहुत ज्यादा अटक रही थी मैं, और मतलब मुझे इंटरव्यू के लास्ट तक मैं ही थक गई थी, इतना बकवास इंटरव्यू देते थे. मतलब आप इंटरव्यू को छोड़ के भागना चाह रही थी? टायरिंग इंटरव्यू था, मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा. अच्छा अच्छा. तो वो आपका जो इंटरव्यू एंड हुआ, मतलब कितने मिनट तक चला? आधे घंटे चला था. ऑल्दो मैं थोड़ा सा बहुत बुरा, मतलब बुरा इन द सेंस स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, मिड में बुरा था, लास्ट तक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल. ओके ओके. बट फिर भी मुझे लगा था कि सेलेक्ट होने लायक तो नहीं हुआ. और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने विद इन 1-2 घंटे में ना बता दिया था कि आप नहीं सेलेक्ट हुए, मेल भेज दिया था. ये अच्छा इसलिए था क्योंकि जिस जॉब के लिए मैं एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मेरा हो जाए, मुझे उससे पहले एक रियलिटी चेक मिल गया कि यार इसको तो चल तू मान सकते है कि ना हो. बट जिसमें फर्स्ट फेलोशिप वाला जी, वो फर्स्ट फेलोशिप मेरे लिए बहुत जरूरी थी. हाँ. उसमें मैं तब से इन्वेस्टेड हूँ. okay. तो मैं ऐसी थी कि यार ये निकलना चाहिए. हाँ. तो मेरे पास अब टाइम कम बचा था, तो मैंने बहुत क्विकली अगर टिप्स दे दूँ तो मैंने तो बस सिंपली ना ये किया था कि मैंने सब इंग्लिश में वीडियो देखना शुरू कर दिया. okay. इंग्लिश में मैंने सोचना शुरू कर दिया. yeah. और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ. hmm. जैसे अभी आप देखो वो लड़कियों का नेचुरल चीज रहता है, मेरा होता है ये, मैं थोड़ा तेज तेज बोलती हूँ. तो मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं आराम आराम से बोलूंगी. तो जब आप इंग्लिश में सोचते, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट योर मतलब नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज तो है जी, तो उसमें आप
इतनी जल्दी सोच नहीं पा रहे हो, तो आप ट्राई करो जल्दी बोलने की, तो और आप और अटकने लगते हो। या, या, या। मैंने ट्राई किया है, मैंने प्रैक्टिस ही करी फिर पूरे 24 घंटे सिर्फ कि धीरे बोलो, धीरे बोलोगे तो आपके पास स्कोप रहता है सोच पाने। या। और सिर्फ इंग्लिश में आप कभी देखोगे, आप बिंज वॉच करते हो जैसे 10-12 घंटे की कोई सीरीज इंग्लिश की, तो नेचुरली ना आपके दिमाग से इंग्लिश की लाइन थॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने कहा इंग्लिश में ही वीडियो देखूंगी, कोई टिप्स सेकंड इंटरव्यू से पहले सीरीज ही निपटा दिया। सीरीज नहीं देख रही थी, बट जो भी यूट्यूब वीडियो तक देख रही थी हिंदी में कुछ नहीं देख रही थी। ओके। और मैंने फिर पॉलिटिक्स के बारे में तब पढ़ा सिर्फ उस 24 घंटे में कि अच्छे से okay. कि अपनी स्टेट, अब मुझे पता भी चल गया था कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे वो इस फील्ड में, okay. क्योंकि उन्होंने वहाँ पूछा वहां तो मैं आंसर नहीं कर पाई, बट अब मैं समझ गई थी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन ये थे कि मैंने अपनी स्टेट रिलेटेड पॉलिटिक्स समझ ली थी, तो और थोड़ा इस तरह करंटली क्या चल रहा है वो देख लिया था पॉलिटिक्स के बारे में। और फिर मेरा वो जो नेक्स्ट डे इंटरव्यू हुआ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स चला, और उसमें मुझे पता था कि अच्छा गया। अच्छा, सेकंड टाइम जो आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू था उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, काफी अच्छा गया कि मैं ऐसे दिख गया ये तो अच्छा गया। ओके, वो इंटरव्यू कितना देर, 40 मिनट चला था? 40 मिनट चला था। ओके ओके। और अच्छा गया, मतलब अच्छा गया, तो उसका सेटिस्फाइड थी कि सही है। ओके, तो उसका रिजल्ट कब आया? 20 दिन बाद। अब इसमें भी मैं इतना थक चुकी थी वेट कर करके कि ये लोग, अच्छा इसमें क्या हुआ था, उन्होंने मेरे से लास्ट में पूछा था कि ये तो फेलोशिप कर, क्या आप एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहोगे? तो मैं बोलता था कि हाँ, उस टाइम में तो वैसे ही ऐसे और किसी की कोई जॉब चाहिए। तो फिर मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, उसी कंपनी ने लिया था एज अ एम्प्लॉय, वो इंटरव्यू अच्छा गया था काफी। और बट उस चीज का रिजल्ट आने में January 1st की कुछ डेट थी, वो वाला टाइम हो गया था। तो आप ये सोचिए, अक्टूबर 2nd अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 का जी। तो फिर मैं ऐसे हो गई कि फिर ना मैं लास्ट में वापस से ऐसे थी कि यार बाहर में जाने से तेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, प्रीलिम आ रहा है, यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 आ रहा है और तैयारी भी चल रही थी थोड़ी, मैंने एक दिन भी नहीं थी वो। ओके। मतलब मैं, क्योंकि ये चीज पक्की तो होती ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये देखा जाएगा, होता है जब हो इंटरव्यू तब पढ़ के अच्छे से दे दो, नहीं तो अपना पढ़ाई करो। यस। तो मैं पढ़ा, फिर मैं वापस ऐसे हो गई कि यार अब तो बाहर में जा रहे थे, मैंने इतना टाइम ले लिया है, अब तो बस पढ़ छोड़, बाद में देखेंगे। बैक टू यूपीएससी जर्नी। फिर मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, वापस से बस कॉल आई और मैं बोला कि आपका हो गया है, और ऑफिस हैदराबाद में था। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो? तो मैंने बोला था कि 15 दिन बाद से मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे इग्नू के एग्जाम्स थे मास्टर्स के। अच्छा अच्छा। तो मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रही थी, तो मैंने कहा वो देखे मैं फिर आऊंगी। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई, हैदराबाद चली गई मैं, वो भी काफी टफ था क्योंकि पहली बार घर से इतना दूर आई थी कहीं, और इतने सालों बाद तो पहली बार। अच्छा अच्छा। आप मतलब आपकी जो स्कूलिंग और कॉलेज आपका होम टाउन में हुआ है, मतलब आसपास ही हुआ? आसपास, दिल्ली में भी मैं कॉलेज था तो मैं घर पे वीकेंड्स पे चली ही जाती थी। ओके ओके। तो होम सिकनेस जैसा टाइप हैदराबाद में टफ पड़ा फर्स्ट टाइम, और कल्चर भी चेंज है ना, काफी कल्चर चेंज है और सभी नए लोग है ना, मतलब वो चीज आपको अब आदत नहीं रही। तो वो जो आपको फर्स्ट जॉब बता रहे हो 2023 के जनवरी मंथ में या फेब मंथ में? जनवरी 16 जनवरी को मेरा फर्स्ट वर्किंग डे था। ओके ओके। तो वो मेरा फर्स्ट था, और ये चीज बहुत लकी थी मैं इस चीज में कि ऑफिस कल्चर, ऑफिस के लोग बहुत अच्छे थे। हाँ। तो शायद मैं ना इसे कंफर्ट भी फील कर पाई, क्योंकि आप जो आप 4 साल से एक सपना एक रूटीन चला रहे हो जहाँ पे आप ना लोगों से बात करनी छोड़ रखी, अब आप नए उसमें आए हो, तो मैं ना शाम में जाके थक जाती थी कि लोग यार इतना सोशलाइज कर लिया है और आराम से जाके बैठेंगे ऑफिस में जी। तो ऑफिस अच्छा रहता था, बट ऑफिस के बाद जब मैं आई तब घर की बहुत याद आती थी, तो वो चीज़ बहुत टायरिंग रही थी। 6 महीने मैं हैदराबाद थी, 6 महीने बाद फिर मैं बैंगलोर आ गई थी, मतलब वही ऑफिस सेम ही, उनकी दूसरी ब्रांच खुल गई थी वहाँ पे। हैदराबाद का एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं तो वो तो 2023 में ही स्टार्ट हुआ था आपका, और प्रीलिम्स तो 28 मई को था, 28 मई का था, तो 2023 का। तो आप क्या बुक्स वुक्स लेके गए थे क्या हैदराबाद? हाँ, या बैंगलोर लेके गई थी मैं हैदराबाद। वेरी गुड वेरी गुड। और लिमिटेड वेट ही ले जा सकते हो, फ्लाइट थी आपकी तो। हाँ। मैं लक्ष्मीकांत भी लेके गई थी, जो कि वो एक मोटी जय हो बाबा, तो मैं ऐसे कि छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तैयारी करेंगे साथ में। हाँ। तो मैं लेके गई वहाँ पे, तो ना इतना वो मैं जो जॉब पसंद आ रही थी, और जॉब का टाइम 11 बजे से होता है मेरे सुबह, तो वो अच्छा खासा टाइम है आपके पास अगर आप पढ़ना चाहो तो आप सुबह में पढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा। पर मैं नया सब एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैं ऐसे थी कि यार कम से कम 1-2 महीने आराम से जॉब समझते हैं क्या है, या क्योंकि फिर ये ना नहीं समझ में आ रही तो आप कम से कम एक जगह तो सोच पाओगे, आप बटे से रहोगे तो मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं होता। यस यस। तो मैं जॉब कर रही थी साइड बाय साइड, बुक्स मेरी रखी रहती थी रूम में इस सपोर्ट में कि पढ़ना होगा तो पढ़ लूंगी। ओके। तो वो अपना सारा नोट्स लेके गई थी,
अटेम्प्ट मैंने फॉर्म भी भर दिया था क्योंकि छोड़ा तो नहीं जा पाता है एकदम फैसे एग्जाम। वो तो फॉर्म में ही भर दिया होगा आपने। हाँ मुझे याद है जब एग्जाम से ना एक महीने पहले कर्नाटका में इलेक्शंस थे और मैंने मतलब मुझे ग्राउंड पे भेजा गया था। मैं एक एमएलए के साथ में डायरेक्टली वर्क करने गई थी तो बेंगलोर में। हाँ जी मतलब असेंबली इलेक्शन में। हाँ असेंबली इलेक्शंस में गई थी मैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला बॉर्डर पे पड़ती है। ओके केरला बॉर्डर पे। हाँ जी ओके कूर्ग एरिया है ना जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो मुझे अलॉट हुई थी तो अकेले मैं ही गई थी अपनी कंपनी से उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके ओके ओके। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मैं वहाँ ये सोच के गई थी अगर मुझे इस चीज में मजा आया तो मैं इस फील्ड में रह सकती हूँ। ओके आप अगर उसके कोर में नहीं मजा करवा रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा है दैट मींस यू आर नॉट मेड फॉर पॉलिटिकल स्पेस। मैं गई मुझे बहुत अच्छा बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ कि मैं एक ऐसी वहां पे किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती थी और 15 दिन मैं वहां थी इलेक्शन से जस्ट पहले तो मुझे ना उतना कॉन्फिडेंट मैंने कभी लाइफ में फील नहीं किया कि जाके कैंडिडेट से समझ पा रही हूँ कि यार इलेक्शन में उन्हें टिप्स दे पा रही हूँ मैं जो अभी 3-4 महीने पहले आई है इस फील्ड में। वेरी गुड। तो वो चीज बहुत ही एम्पावरिंग सी थी मुझे खुद के लिए बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी। उसके बाद मैं आई 2 हफ्ते बाद मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी प्रीलिम्स के लिए। फिर मैं घर आ गई। अब छोड़ा तो नहीं जा सकता था एग्जाम और मैं ऐसे देखिए अब छूटता नहीं है छूटता नहीं है वो चीज होती है। अब मैं आई तो मैं सोचा कि टेंशन फ्री होके पढ़ मतलब एग्जाम प्रीलिम्स देते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो वैसे भी आ रहा है। मुझे याद है मैं गई एग्जाम हॉल में मैं क्वेश्चन पेपर देखा 2 हफ्ते आ गई थी मैं घर तो मैं वापस से ट्राई कर रही थी थोड़ा सा कैचअप करने की। एग्जाम हॉल में गई क्वेश्चन पेपर देखा मैंने 28 मई को प्रीलिम्स था 2023 का राइट। तो आप सुबह उठे होगे 28 मई को तो आप सेंटर कहाँ था आपका? घर के पास में। वैसे भी प्रीलिम्स 28 मई को था तो आप सुबह उठे होगे कि मेरा आज प्रीलिम्स है तो आप उस दिन नर्वस थे क्या? नर्वस तो नहीं थी पिछले क्योंकि आपको से कम नर्वस थी मैं 23 में। हाँ और बैकअप भी तो था आपके पास। बैकअप था फ्री माइंड से जा रही थी इस बार मैं। वेरी गुड। इस बार उतनी उम्मीद भी नहीं थी कि क्लियर होगा जितनी हर बार रहती थी ना होप्स की और क्लियर हो जाएगा। इस बार तो जितना कि क्लियर हो गया तो बढ़िया है वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो बट एक वो रहता है ना देखो ऐसा तो नहीं कह सकती मैं कि टेंशन फ्री थी एक कुछ रहता है माइंड में कि और पेरेंट्स को भी उम्मीद वैसी रहती है कि तो आपके पास आपके साथ पेरेंट्स भी गए थे क्या प्रीलिम्स सेंटर? हाँ, हर बार पापा जाते थे। वाओ वेरी गुड वेरी गुड। पापा गए थे तब भी वो मैं गई थी मुझे हाँ। अभी तक वो फीलिंग याद है कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था ना बस आप मेरे को GS1 का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि आप कौन सा अटेम्प्ट था ये 2023 वाला? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट था। तो बस गाइस अभी पापा सॉरी पे वैष्णवी भी यही बताएगी कि 4 अटेम्प्ट के बाद भी प्रीलिम्स के लिए क्या फियर्स रहते हैं कि मतलब लोग कितना श्योर रहते हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए वो ये भी बताएंगी वैष्णवी और पेपर देख के उनको कैसा लगा GS1 का वो ये अभी डिस्कस करेंगे गाइस। ओके गाइस तो वैष्णवी आप मुझे ये बताओ कि आप पेपर GS1 का पेपर देखोगे 2023 का तो आप उस टाइम कैसा था मतलब पेपर इन फर्स्ट ग्लैंस में? तो जब मैंने वो पेपर देखा हाँ मतलब मुझे अभी भी याद है कि मुझे ना एक थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हुआ कि मैं सही समय पे चली गई इस अनएक्सपेक्टेड चीज से बाहर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मुझे लगा एक्चुअली क्या होता है आप पढ़ाई भी छोड़ दो तो आपको पता होता है आपके सोर्सेज क्या होंगे पढ़ाई के तो मुझे ना क्वेश्चन देख के ऐसे लगे कि यार ये तो मेरे उसमें कवर भी ना होता मैं पढ़ती भी इन 6 महीनों में तो भी मैं कई चीजों में उतनी ही डाउटफुल रहती। ओके ओके। तो जैसे अगर पॉलिटी के कोई क्वेश्चन है तो वो तो एकदम टू द पॉइंट बुक से आपको पता है लक्ष्मीकांत से यहाँ से यहाँ। यस यस। तो मैं ऐसी थी कि यार ये तो मेरे को पता है चलो वो अभी भी मैं उनपे श्योर हूँ 6 महीने बाद भी क्योंकि आपने पढ़ा तो इतना रखा है। जो करंट अफेयर्स है मुझे कुछ कुछ इतने अटपटे से लगे कुछ मतलब पॉइंटर ऐसे थे कि फिर मैं ऐसे हो गई कि यार अच्छा हुआ सब कुछ ड्रॉप करके तैयारी नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर भी शायद से मैं उतनी ही ना डाउट में रहती कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ड्यूरिंग द 2 आवर्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर GS1 का आपको ख़त्म कर दिया था आपने पेपर प्रीलिम्स पेपर ख़त्म होने के बाद आपका उसका एक्सपीरियंस आप बताइए कि 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी आपको मतलब एग्जाम से हॉल से निकले जब तो आपको कैसा लगा मतलब कि कॉन्फिडेंस थे प्रीलिम्स को क्लियर करके मतलब कैसा रहा मतलब ओवरऑल मतलब 4 साल का जो मेहनत था आपका फोर्थ अटेम्प्ट में वो रिफ्लेक्ट हो पाया एज इट? अटेम्प्ट था मेरा और जब मैं हॉल से बाहर निकली बाकी के 3 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा स्माइल के साथ निकली। हर बार पिछले 3 अटेम्प्ट में तो मैं ऐसे निकलती थी कि तो वैसे भी आपका ये जो स्माइल था किस लिए था मतलब कि मतलब अच्छा पेपर गया था सरकाज्म वाली अच्छा सरकाज्म वाला कॉन्टेक्स्ट में कि क्या क्या पेपर बना रहे अच्छा मुझे पेपर भी नहीं मुझे लगा कि यार ये तो
अनएक्सपेक्टेड वाला, मतलब मैं किस्मत पे नहीं डाल रही हूँ कि हाय मेरी किस्मत खराब थी, बट अनएक्सपेक्टेड तो था पेपर. तो मुझे ये लगा कि मैं अगर सोचो मैं जॉब छोड़ के कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी पढ़ाई से, और घर बैठ के तैयारी करती ना उसकी 6 महीने बाद, तो शायद से मैं एग्जाम वाले से रो के निकल रही होती कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में. अच्छा अच्छा. तो मुझे वो वाली चीज़ लगी कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा है, प्लान भी है मेरे पास. जब मैं निकली थी तो मेरे दिमाग में ये आया था कि यार अब दोबारा अटेम्प्ट तो नहीं दूंगी मैं. अच्छा, अच्छा. मतलब वो मुझे एग्जाम हॉल से निकल के फीलिंग आ गई. मतलब आपका 2023 प्रीलिम्स देने के बाद आपका मतलब श्योरिटी हो गया था कि अब यूपीएससी इज नॉट वर्थ इट टू परस्यू, राइट? मतलब इट इज वर्थ इट अगर कुछ साथ में कर रहे हो, पूरा सब छोड़ छाड़ के. अच्छा अच्छा. इट्स नॉट, बहुत रिस्की, बहुत अनएक्सपेक्टेड है. मे बी मेंस मेंस में आपकी बहुत चीजें ऐसे जज होती है, जो आप पढ़ रखे हो तो आप कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बट प्रीलिम्स में चीजें बहुत ज्यादा ऐसे हो गई हैं कि तुक्का मार के देख लेते हैं. या शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है. तो वो वाली चीज मुझे बहुत है. वैष्णवी एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि प्रीलिम्स दिया था आपने 2023 का, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे GS1 में, अगर आपको याद हो तो बताइए मुझे. इस वाले मुझे याद है, बिकॉज 2021 वाले में तो मैं ऐसे थी कि सॉरी 2022 वाले में मैं ऐसे थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी. मुझे उसमें याद है शायद से मैंने 95 कुछ किए थे 22 में. वेरी गुड. उस टाइम पे देख के भी गई थी मैं ऐसी वीडियो, मैंने ट्राई भी किया था कि सब उसमें ज्यादा स्कोप रहता है, बट वो भी कुछ फायदा हुआ नहीं था उसका. तो इसमें मैं ऐसे थी कि लिमिटेड ही ट्राई करती हूँ. शायद से मेरे 75 कुछ रहे होंगे, रिजल्ट के बाद आपको लग रहा था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फीलिंग आ गई थी. हाँ. फीलिंग आ गई थी. ओके ओके. एक्चुअली मैं ना उसमें कम भी आई थी, क्योंकि हर किसी का ना ये रिस्पॉन्स पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि तुक्का सब बहुत मारा था. हाँ. तो कोई भी श्योर तो होता ही नहीं है. कट ऑफ वाले कुछ श्योर नहीं होते. यस, कट ऑफ भी बोलते कम आएगा कम आएगा. अच्छा, वो मैं ऐसे थी कि क्या पता. मैं ये सोच भी रही थी, मैंने कहा अगर इस बार निकल गया तो बहुत ही आयरनी हो जाएगी कि जब पढ़ाई नहीं करी है तब निकल गया. तो मुझे वो, और मुझे लगता है वो आप कोई भी एग्जाम भरो ना, रिजल्ट वाले दिन लगता है कि क्या पता आपका नाम आ ही जाए. yes, तो yes. वो वाली चीज थी. होप तो रहती है. होप तो रहती है. या या. तो वाली थी. तो वैष्णवी अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव करियर को लेके, क्योंकि पापा सॉरी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव करियर, राइट? मतलब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट जो भी तैयारी करते हैं इंडिया में, उनको मतलब कैसे, मतलब वो लोग का जो माइंडसेट चेंज किया जाए कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग. आप बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, आप उसको अगर परस्यू करोगे तो अच्छा कर जाओगे लाइफ में. तो ये था मेरा पापा सॉरी का गोल बोल सकते हो या विजन. तो आप मुझे ये बताओ अल्टरनेटिव करियर पे, आप जैसे आपने शिफ्ट किया पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में आफ्टर यूपीएससी 4 अटेम्प्ट देने के बाद, तो आपका ये जो अल्टरनेटिव करियर वाला जो पर्सपेक्टिव है ना आपके पास, तो इसमें मतलब कितना डिफिकल्ट हो जाता, मतलब कि आप ईयर गैप कैसे जस्टिफाई करते हो 4 साल या 5 साल के बाद? तो वो जो आपने किया है ना, आपने तो प्रैक्टिकली करके दिखाया है ना. बिल्कुल. तो आप वो शेयर कीजिए थोड़ा एक्सपीरियंसेस. तो आप प्रीलिम्स दे दिए यूपीएससी 2023 का, तो उसके बाद आप क्या मतलब फिर से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लिए थे क्या? वो मैं तो छुट्टी पे आई थी. अच्छा अच्छा. तो मैंने तो छोड़ी नहीं है वो जॉब. ओके ओके. सॉरी, कर रहे थे छुट्टी लेके आए थे प्रीलिम्स देने. ओके ओके. तो आप फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस बताइए, मतलब 2023 के प्रीलिम्स के बाद का अभी तक का एक्सपीरियंस शॉर्ट में बता सके तो बताइए कि कैसा रहा, मतलब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एज ए करियर कैसा है, मतलब कि क्या है? एज अ करियर बहुत अच्छा है. अच्छा. स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा. मैं बोलती भी हूँ इसको. एक्चुअली मेरा खुद का भी एक चैनल है जिसके बारे में भी बात करेंगे. तो उसमें मैं ना ये भी टिप्स देती हूँ कि कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं एज अ गैप ईयर स्टूडेंट. तो उसमें आई थिंक आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. एक तो होता है कि आप अपने ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे जॉब्स ढूंढें, कि अगर आप इंजीनियर रहे हैं तो अभी भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स ढूंढें. जैसे मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था तो मैंने बिजनेस एनालिस्ट वाली जॉब्स भी ढूंढी थी. और दूसरा ऑप्शन होता है आपने जो यूपीएससी में आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जॉब्स ढूंढें, क्योंकि आप करंटली उस चीज से ज्यादा एलिजिबल हो. अब उससे रिलेटेड जॉब्स होती है गवर्नेंस रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग. आपका ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें मोस्टली बच्चे जो है इग्नू से मास्टर्स भी कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड ढूंढ सकते हैं. नहीं तो मुझे लगता है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी इस चीज के बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज यहाँ पे एक तो ना ये लोग चाहते हैं कि लोग अलग अलग फील्ड से आए. यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट माइंडसेट वाले बच्चे भी मिलते हैं आपको. मतलब मेरे कलीग्स में से
10 में से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी अटेम्प्ट दिया हुआ क्या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में? हाँ जी हाँ, वाओ यार, तो वो वाला आपको बहुत लाइक माइंडेड, तो वाइल्ड लाइक माइंडेड, हां तो और प्लस आपको ये भी लगता है कि यार ये भी बड़े खुशी है, मतलब लाइफ अच्छी ही, मतलब यूपीएससी छोड़ के भी लड़के जी रहे हैं लाइफ, हां तो वो चीज लगती है। प्लस इसमें क्या है कि फ्रेशर्स के लिए काफी स्कोप है, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइजेशन तो चाहिए नहीं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में। yes. ऐसे नहीं है कि आपको बैचलर्स होना चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बस पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो आपको किसी कोर्स से नहीं आएगी, वो आपको खुद से अगर इंटरेस्ट है तो आएगी, तो वो चीज़ वो जज करते हैं, उस बेसिस पे सिलेक्शन कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है बाकी किसी और फील्ड से जो आप जिससे अभी इस टाइम पे कनेक्टेड नहीं हो। okay. तो इसलिए वो चीज़ अच्छी है। प्लस इसके बाद आप और वेंचर्स में जा सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप कैंपेन वर्टिकल में हो तो आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग वाली फील्ड में देख सकते हो। तो यहाँ से आपका एक एक्सपीरियंस वाला जो ब्लैंक है सीवी में बहुत टाइम से, वो चीज़ ओपन हो जाती है कि आप और चीज़ें भी देख सकते हो। अच्छा, तो ये चीज़ इसलिए मुझे लगता है कि फील्ड अच्छी रहती है स्टार्टिंग पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, मतलब ईयर गैप को मतलब जस्टिफाई इजिली किया जा सकता है, वरना तो मेरा ये देखिए वो रहता है सजेशन कि अगर आपकी सीवी में कुछ भी नहीं, कई मुझे सजेशन मतलब कई लोग डीएम्स में कमेंट में पूछते हैं कि हमारी सीवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो यार फिर ना वही वाली चीज रहती है, अगर जॉब नहीं लग रही है ट्राई करो कि लग जाए। कई बार पर्सनल कनेक्शंस भी ट्राई कर लेने चाहिए, जब कुछ ना मिले तो ट्राई करो कि भाई चाचा वाचा कहीं काम करे उनसे पूछ लो, क्योंकि वो पता है वो बुरा लगेगा कि कहां तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। yes. अब हम चाचा से हेल्प मांग रहे हैं कि यार जॉब लगवा दो। yes, yes. पर मुझे लगता है वो चीज से ऊपर उठ के अपना यू नो वो सैडनेस पीछे छोड़ के ट्राई हाथ पैर मारने चाहिए, बट अगर फिर भी आपकी सीवी में कुछ ना हो तो यार अपस्किल करना पड़ेगा, मतलब आप डिप्लोमा करो किसी चीज में, आप कोडिंग डेटा एनालिस्ट ये सब करो, एमबीए की तैयारी करो, MBA. तो आप ये सोच के बैठ जाओगे कि इसकी जॉब लग गई है मेरी भी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है, सबकी अपनी अलग 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 जर्नी होती है। yes, yes, yes. तो वो अगर आपका कुछ आपको लग रहा है नहीं ही लग पा रही है तो कम पे सेटल होने से बेटर है अपस्किल करो अपने आप को और देन लुक फॉर जॉब, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है गैप ईयर स्टूडेंट्स को। मेरे को ऐसा फील होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के पास वास्ट लेवल का नॉलेज रहता है, राइट, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा, अदर जॉब्स में भी मिल सकता है उसको, बड़ी बात तो है नहीं। एक ना यहाँ पे ये कि एस्पिरेंट्स क्या है, खुद से बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव फेस्ड फेलियर्स इन, तो वो चीज प्लस दूसरा लगता है हम तो गैप ईयर है हमारे पास, हमें कौन जॉब देगा रियली यार। तो अगर आप वो अपनी पर्सनालिटी में खुद से ले आओ ना कि यार गैप ईयर तो क्या जस्टिफाई कर लेंगे, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप खुद से पहले इंटरव्यूअर को बोलने लग जाओ कि यार मुझे तो सर हमने तैयारी करी थी नहीं निकला, वो पूछ भी नहीं रहा है शायद, बट आप खुद से अपनी बातों में ले आओगे कि हम तैयारी कर रहे थे नहीं, तो वो ना वो पकड़ लेता है। और आप इस चीज़ को इग्नोर करके अपने इंटरव्यू पे फोकस करो तो भी रहते हैं कि हाँ ठीक है। तो मेरा वही मानना है कि आप खुद से इस चीज़ से अगर उबर गए कि यार इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी नेचुरल इंडिया में जहाँ पे 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का जी, तो कितने सालों का नहीं निकल रहा है, लाखों का तो निकल ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे जो आपके 98-99% का तो निकलना ही नहीं है यूपीएससी। तो आप उस चीज़ के साथ कम्फर्टेबल हो जाओगे ना कि यार इट्स, जैसे मैं भी अभी अपनी फेलियर बता पा रही हूँ कि मैं चीज़ों बहुत कम्फर्टेबल हूँ कि यार इट्स ओके, मतलब फेल होते हैं लॉजिकली आप थिंक कर रहे हो ना चीज़ों, तो उस चीज़ को मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँ, आपको सोच रहे मैं सवाल का आंसर ही ना दूँ कि मैं अपना बता ही नहीं रही हूँ कि मेरा फेलियर रहा है ये, तो ना तो व्यूअर को रिलेटेबल लगेगा और फिर उस चीज़ का मतलब भी क्या है, मतलब इट्स वेरी फेक लाइफ से तो कोई इंस्पायर होगा ही नहीं। आई थिंक पर्सनैलिटी में ये जरूरी है कि आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करें, तो वो चीज ना इंटरव्यूअर भी कैच करता है कि भाई ये इस चीज को ओन अप कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब मुझे याद है मेरे इंटरव्यूज में कभी भी इस चीज पे एक मिनट से ज्यादा लंबी बात भी नहीं हुई है, गैप ईयर है गैप ईयर पे जी। अच्छा, और भले ही वो बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड भी इंटरव्यू रहे हो कभी इस चीज पे बात हुई नहीं, तो वो मतलब आप पे है ना, आप अपनी सीवी को कहाँ से मोड़, आप उस पे फोकस ही रखना है आपको, तो अलग है। आप मतलब सीवी में स्किल्स दिखाओ ना अपने कि आपका नॉलेज क्या है, किस लेवल में आपका स्पेशलाइजेशन है और मतलब क्या कर सकते हो, मतलब आप मतलब अपना स्किल बेसिस पे आप इंटरव्यूअर को ये दिखाओ कि मैं क्या आपकी कंपनी के लिए कर सकता हूँ इस जॉब प्रोफाइल में। हाँ, तो सही है। तो ये वाला आपका जो इंटरव्यू था पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाला अभी सही चल रहा है ना वैष्णवी, यू आर एंजॉयिंग दी जर्नी राइट? हाँ ना, थोड़ा सा आपका जर्नी फॉलो किया था तो मेरे को पता लगा कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी तो करते ही हैं। गाइस पापा सॉरी बताना चाहेगा आप लोग को कि वैष्णवी का एक यूट्यूब चैनल भी है वैष्णवी नागर करके,
तो आप लोग उस पर एक काफ़ी अल्टरनेटिव करियर को लेके काफ़ी चीज़ शेयर करती रहती हैं उस चैनल को चैनल पे, आप उस चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं और मुझे तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है इनकी वीडियोज़। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव करियर क्या हो सकता है जो भी एस्पिरेंट, नॉट ओनली यूपीएससी गाइस, ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए अल्टरनेटिव करियर वैष्णवी बता रही है ये अपने चैनल पर। तो ओके वैष्णवी, तो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है तो आपका क्या पर्पस था, क्यों आपने ये यूट्यूब चैनल मतलब कैसे क्यों स्टार्ट किया, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने कि मुझे एक करना चाहिए? शायद आपके नया ही चैनल है जी, अभी इसको 23 में नवंबर में शायद आपने स्टार्ट किया था, 2-3 महीने हुए अभी। या और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं और वो ये भी एक कोई प्लान नहीं था इस चीज का। अच्छा, और क्या हुआ था, मैं दिवाली की छुट्टियों पे घर आई थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। अच्छा, टाइम बहुत था। हाँ हाँ, उससे पहले ना नॉर्मल ऑफिस आवर्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना क्रिएटिवली कुछ नया स्टार्ट करने का सोच पाओ। हाँ, तो मेरे कॉलेज से 2-3 लोग थे जिन्होंने नया नया शुरू किया था, उन्हें 2-3 महीने हो गए थे इंस्टाग्राम पे, वो लोग रील्स वगैरह बना रहे थे। और मेरा देखो हर चीज ऐसे रहता है कि यार हम भी बना लेते हैं कि ठीक है, कुछ ज्यादा एफर्ट्स। हाँ, मतलब अब इंस्टाग्राम कल्चर तो हो ही गया इंडिया में काफी। जब मैं यूपीएससी की कर रही थी तो मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह सबसे एकदम डिस्कनेक्ट, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट, कभी कभी व्हाट्सएप भी बंद हो जाता था, ऐसा वाला सीन था। तो अभी बट मेरा क्या हुआ कि कुछ बुराई तो है ही नहीं, घर पे मैं हूँ ही, अभी ऑलमोस्ट 1 महीने में रहने वाली थी घर पे, तो मैंने कहा कि बना लेती हूँ थोड़ी थोड़ी वीडियो, देखेंगे दिवाली का टाइम होगा। स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही किया था कि मेले में चली गई, वहाँ पे वो जो एक रील्स होती है ना कि घूम लिए, तो रील बना दी। तो मतलब आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था फिर यूट्यूब पे? हाँ, मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, मेरा कोई पर्पस भी मतलब मेरा कोई प्लान था नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि इस डायरेक्शन में लेके जाना है चैनल को, बस बना लिया था तो कि टाइम है तो बना लेते हैं रील्स। बट एक रील डाली थी मैंने, वो उससे मैंने लिखा था कुछ नहीं कर रही, मैं बस बैठ के ऐसे सोच रही थी लिटरली, और ऊपर मैंने उसमें कैप्शन डाला हुआ था कि अच्छा खासा जॉब इंजॉय कर रही, कॉर्पोरेट जॉब इंजॉय कर रही थी, फिर 12th फेल देख लिया तो अब डाउट हो रहा है, मतलब ऐसे करके। या तो ये वाली रील, अच्छा इस रील को डाले हुए 1 हफ्ता हो गया था, और अब मैं ना थोड़ा इंस्टाग्राम से बोर होना शुरू हो गई थी, मुझे 1 हफ्ते हो गए थे रील रोज डालते हुए, तो मैंने 2 दिन से कुछ रील नहीं डाली थी। तो ये जो 12th फेल वाला जो स्टोरी बता रहे हो रील्स वाली, तो क्या था मतलब क्या था? हाँ, तो बस ये कि रील थी जिसमें बस बैठ के सोच रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कि अच्छा खासा कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय कर रही थी, फिर मैंने 12th फेल देख ली, तो मतलब रिग्रेट कर रही हूँ, अब सोच रही हूँ वापस से तैयारी कर लूँ यूपीएससी का। हाँ जी, अच्छा, मोटिवेट हो गए 12th फेल से? हाँ, मतलब ये बस फनी वे में बनाई थी, अच्छा, वो मैं फील नहीं कर रही थी बट वो फनी था। ओके, तो 2 हफ्ते बाद में दो दिन तक मैंने कुछ डाला नहीं इंस्टाग्राम पे, मैं सो के उठी हूँ, मैं नोटिफिकेशन देख रही, मेरे कोई भी रील इतना कुछ चल नहीं रही थी। ओके, ना मेरा इतना कोई पर्पस था चलाने, मैं नॉर्मली बना दी थी कि मेले में गए तो बना ली, दिवाली के ड्रेसअप में बना ली। वो जो यूपीएससी वाली रील थी वो तो जो आई थिंक अभी उस पर 5 मिलियन व्यूज हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो, मतलब रात में देख रही हूँ कि लाइक 100-150 लाइक्स है, मैंने कहा इसको क्या हुआ, एक हफ्ता हो गया था उस वीडियो को डालने। इट हैपेंस ऑन मैजिक, मैजिक थिंग है ये, कौन सा वायरल हो गया। उससे पहले सोचा नहीं था यूपीएससी रिलेटेड कुछ भी बनाने का, क्योंकि अब क्या ही बनाऊंगी मैं, मतलब छोड़ दी वो तो गलिया, बट वो तो मैंने फनी वे में डाली थी। या उसके बाद में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए और डीएम्स आए कि आपने कैसे ट्रांजिशन किया, ट्रांजिशनल जर्नी फ्रॉम बीइंग एन यूपीएससी, आपने छोड़ दी क्या, आप अभी भी कर रहे हो क्या। तो उसके बाद में मैं उन्हें रिप्लाई कर देती थी कुछ कुछ लोगों को कि यार मैंने ऐसे ऐसे किया। वेरी गुड। तो मैंने कुछ दिन बाद वापस से थोड़ा यूपीएससी रिलेटेड डाली, वो भी ऐसे फनी वे में थी, और फिर हाँ मेरा कॉम्बिनेशन से शुरू हुआ यूपीएससी की फनी, और जो मेरा मन कर रहा है ऐसे रैंडम बनाने का वो बनाने का, मेरी रील्स इस तरह से चल रही थी। फिर मैंने इस तरह की क्वेरीज बहुत ज्यादा एड्रेस करी, और कुछ इंस्टाग्राम पे ये सब काम कर रहे थे आप? या और कुछ कुछ लोगों ने ना मेरे साथ इतनी ज्यादा डिटेल में अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी शुरू कर दी, मतलब अपना जो सफर कर रहे थे यूपीएससी वाले। तो मुझे ये एकदम से ये लगा कि यार ये तो बहुत वैक्यूम है कि उन्हें ये कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, कि ये प्रॉब्लम बहुत है हाई। और मैं पहले तो सबको रिप्लाई करने की ट्राई कर रही थी बट कुछ कुछ की डिटेल में नहीं होती थी, तो मुझे लगता था मैं सेम चीज सब सबको बताऊं, इससे बेटर है कि एक YouTube चैनल बना के इस चीज को एड्रेस कर देते हैं। yes. तो वहां से YouTube चैनल मैंने शुरू किया, तो मैं YouTube पे सेंड इसी चीज से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ कि यार आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो कॉर्पोरेट, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए इस चीज में, मेरी खुद की लाइफ साइकिल क्या अच्छी रही है, जर्नी कैसी रही है यूपीएससी की। तो अभी मेरा और थोड़ा इस डायरेक्शन में चीज करने का प्लान है YouTube पे। yes. Instagram पे मैं अभी भी थोड़ा चिल कॉन्टेंट बनाती हूँ, ऐसा कुछ ब्लॉगर टाइप बनने का तो मतलब कुछ है आपके अभी? तो पता है मैं मना तो एकदम किसी चीज के लिए नहीं करती, तो मेरे से
ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज हो आप, राइट राइट, वेरी गुड अप्रोच. कुछ भी वो है, क्योंकि एक मुझे लगता है क्योंकि मेरा कभी प्राइमरी गोल नहीं है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगी, जो मेरा मेन जॉब है, मेरी मेन जॉब अपनी कॉर्पोरेट लाइफ ही होगी. ओके ओके. तो मैं उस चीज का कभी बर्डन नहीं लेती हूं कि यार इसका क्या होगा, बट मैं उसके लिए रेडी रहती हूँ कि यार उसमें मैं कुछ इनोवेटिव करती रहूँ, क्योंकि वो जो है मेरा को करिकुलर, वो काम आ रहा है. तो मुझे लगता है ये मेरा को करिकुलर है, तो मैं इसको बैलेंस करती रहूँ, बट जॉब कम्स फर्स्ट. तो ना उसका मुझे प्रेशर फील होता है, तो जब मेरा मन सा करता है, जब मुझे लगता है कॉमेंट्स इस चीज से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं उसमें वीडियोज बना देती हूँ. मतलब गाइज वैष्णवी यही बताने की कोशिश कर रही है पापा सॉरी पे कि इनका बस बाई लक बाई चांस ही स्टार्ट हो गया इनका यूट्यूब चैनल फॉर अल्टरनेटिव करियर, जस्ट बिकॉज कि एक इंस्टाग्राम रील इनका वायरल हो गया था, तो इनको लगा कि मतलब कि ये लोग बहुत लोग सफ़र कर रहा है यूपीएससी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ईयर गैप को लेके, मतलब परेशान है काफ़ी एस्पिरेंट्स, तो उसके एड्रेस करने के लिए इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला था अपना. तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती है गाइस, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है इनकी वीडियो. तो आज मैं पापा सॉरी इनका इंटरव्यू भी लेने आ गया. तो गाइस पापा सॉरी पे अब रैपिड फायर राउंड होगा वैष्णवी नागर के साथ. वैष्णवी वेलकम टू रैपिड फायर राउंड, राइट. तो आप मैं आपसे काफ़ी क्विकली आंसर एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूँगा, बट रीज़न आप एक्सटेंड कर सकते हो कि क्यों आप ये रीज़न आंसर दे रहे हो. तो वैष्णवी ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ORN में आए थे फर्स्ट टाइम, तो पर्सन कौन था जो जिससे आप पहली बार बात किए थे? फर्स्ट पर्सन मेरी कोचिंग में बाय चांस जो मेरी साइड में लड़की बैठी थी, तो वही थी. नाम ले सकते हैं? हाँ जी, तो उनका नाम स्मिता था. ओके. हाँ, अभी टच में नहीं है हम सैडली. इट्स ओके. हाँ, बिकॉज वही टाइम बहुत हो गया. कोचिंग मैंने 2019 में ली थी, बट थोड़ा फिर भी अपडेट रहता है. वो MPPCS की तैयारी कर रही थी लास्ट जब हमने बात की, एमपी से ही थी वो, तो उनसे बात की थी मैंने फर्स्ट टाइम. और मतलब वो ये स्टार्टिंग में तो नहीं करी थी, क्योंकि आप जब कोचिंग में जाते हो तो आप इस माइंड से जाते हो. अच्छा, तो कुछ मतलब कोचिंग में मतलब काफी एक महीने के बाद फ्रेंड बनाया मैं. हाँ, मतलब हम रोज चांस की बात थी, आगे बैठते थे. अच्छा जाओ. अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम सबसे आगे बैठ रहे हैं, तो रोज बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई. हाँ, तो ये तो आपने फर्स्ट फीमेल फ्रेंड का बताया. अब मेल फ्रेंड में बताओ जो जिससे आपने इंटरेक्ट किया था. प्रवीर नाम था. अच्छा. एंड आई रियली होप उसका एग्जाम क्लियर हो गया हो, बिकॉज मुझे याद है मैं मतलब मैं भी इंस्पायर हुई थी. ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 11th क्लास से, तो मैं बहुत इंटिमिडेटेड रहती थी. पिछले साल तक तो मेरी लाइब्रेरी में मेरे साथ ही बैठी थी, तो हम अपने गम बांट लिया करते थे जब टाइम मतलब ऐसे डाउन फेज में होते थे. तो वैष्णवी आपको लगता है कि ये फ्रेंड बनाना जरूरी है यूपीएससी में? डज इट हेल्प और नॉट? मतलब कि हेल्प तो ऑब्वियसली करता है, मतलब फ्रेंड. हाँ, बट वो फ्रेंड भी सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए. अच्छा. क्योंकि जब आप डाउन फील करो ना, तब आपको चाहिए होता है कि कोई दोस्त हो जिससे आप ताकि वो रिलेट कर पाए. आप अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे, वो दिलासा भी देंगे, बट जो एस्पिरेंट होगा ना, वो ज्यादा समझ पाता है आपकी बात को. तो आपको लगता है कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो समझ पा रहा है कोई, और आपको बोल पा रहा है कि यार मोटिवेटेड रहेंगे, ये कोई बात नहीं है. वो तो जरूरी तो होता है. तो वैष्णवी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट को लेके, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मतलब कितना देना चाहिए एस्पिरेंट को वैसे करके? आई थिंक जो मैंने मतलब आपके सीखा है, हाँ, मॉक टेस्ट काफी देने चाहिए. काफी देने चाहिए प्रीलिम्स पे नॉर्मली ना. हाँ हाँ, एस्पिरेंट बचता है कि अरे पढ़ तो रहे, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज्यादा है. हमें ये भी लगता है रिवाइज ही कर ले, मॉडर्न हिस्ट्री पहले रिवाइज ही कर ले. तो अगर आई थिंक लास्ट के 3 महीने में आप रोज भी एक मॉक टेस्ट लगा लो, कम से कम 50 क्वेश्चन लगा लो दिन में, तो वो ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ सारा यू नो रिवीजन इज नेसेसरी. बट मॉक टेस्ट भी उतना ही, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते जो भी आपने पढ़ा है. ओके, तो मतलब मॉक टेस्ट का रोल तो है यूपीएससी में, राइट. वैसे भी आप मुझे ये बताओ कि यूपीएससी में कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सही रहता है, मतलब कि उसके बाद लोग मतलब लीव कर देना चाहिए प्रिपरेशन, मतलब कितने देने चाहिए मतलब एस्पिरेंट्स को आपके हिसाब से? जी, डिपेंड्स कि आपकी जर्नी किस तरह से जा रही है. अगर आपके 3 prelims नहीं निकले हैं, तो मैं तो बोलूंगी कि कुछ और देख लेना चाहिए. अच्छा. ये मतलब देखिए, अगर आपका बहुत ही बड़ा सपना है ये कि आपको कुछ और सोचा ही नहीं जा रहा है, तो भी मैं बोलूंगी कि आप छोड़ो मत, बट कुछ और देख लो.
जॉब के साथ में कर लो, बिकॉज अगर सपना इतना बड़ा होगा तो आप जॉब के साथ में भी तैयारी कर पाओगे, बट यू नो बेटर सिक्योरिटी के लिए अपने फ्यूचर की. और कई बार होता है उस बबल से बाहर निकलते हो आप तो आपको लगता है कि यार शायद से वो सपना उतना था नहीं. अच्छा. तो क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो लग रहा था कि हाँ जो है यही लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, राइट? आप यही कहना चाह रहे हैं. और चार अटेम्प्ट के बाद तो डेफिनेटली चार अटेम्प्ट के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से, राइट? या तो वैष्णवी मुझे ये बताओ कि आप जैसे ओआरएन में रहे भी हो तो गर्ल्स के लिए सेफ है कि नहीं ओआरएन? तैयारी कर सकता है कि मतलब ORN आना जरूरी है या दिल्ली आना जरूरी है या हब में आना जरूरी है क्या UPSC के लिए? वही चीज है कि अगर घर पीसफुल है, हाँ, घर में आपको जगह मिल पा रही है आराम से शांति से पढ़ने की तो आप घर में पढ़ें. घर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, या फिर थोड़ा होता है सबके घर में इन्वायरमेंट होता है कि इतना कॉर्डियल नहीं है, तो भी आपको क्योंकि इस एग्जाम में पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है, उसकी बहुत अहमियत है, तो आप ट्राई करें कहीं और आके रह लें. और एक्चुअली ORN में अगर आप पहली बार आ रहे हो ना, कि आप कभी कॉलेज के टाइम पे तो रहे नहीं घर से बाहर, तो मैंने जो देखा है यूजुअली बच्चे जब निकलते हैं ना अपने शहर से बाहर दिल्ली आने में, हाँ, तो डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हो जाते हैं. ओके ओके, फ्रीडम मिल जाती है. फ्रीडम मिल जाती है, पहली बार वो एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर, तो वो चीज़ ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ऐसा मैंने खुद से देखा है ऐसे बच्चों में ये चीज़ होते हुए. तो वो डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप मतलब रह पाओगे फोकस, एक साल रह लो तो वैष्णवी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब कि UPSC जर्नी में एस्पिरेंट को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब उस पर आपका क्या ओपिनियन है? ये भी मैंने इन चीजों में भी ना देखा है, बच्चे कुछ होंगे जो इस चीजों से बहुत ही थॉट्स काफी एक्सट्रीम लेवल पे लोगों के कंफ्यूज, मतलब बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें लगता है बस ये ही है जो है. तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि वो आपके एज अ फ्रेंड है और सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आप ORN आए हो तो ढूंढो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, बट कुछ चीजें नेचुरली अगर यू नो आप देख पा रहे हो कि यार आपको कोई चीज है जो सपोर्ट कर रही है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी नया नहीं शुरू करना चाहिए, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील रहते हैं. क्योंकि मैंने खुद देखा है बच्चों को कि लाइक आप एक होता है कि पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हो, ये सपोर्ट अगर आप स्टार्टिंग से तो दोस्त बन के भी दे ही सकते हो सपोर्ट, आपको उस चीज को नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन तो मांगता है. ओके ओके. और इन चीजों का डिस्ट्रैक्शन भी होता है. तो वैसे भी मुझे ये बताओ कि ये जो वेब सीरीज का जो रोल है, जैसे एस्पिरेंट का जो वेब सीरीज हुआ एस्पिरेंट 1 और एस्पिरेंट 2 और 12th फेल आया हुआ अभी, काफी वायरल है, काफी फेमस है, काफी लोग, तो आपको क्या लगता है? ओके. तो आपका अच्छा तो आपका यूट्यूब वाला जर्नी भी उसी से स्टार्ट हुआ, राइट? तो वैसे भी मुझे ये बताओ कि ये जो वेब सीरीज का कितना रोल होता है कि एस्पिरेंट एज ए ड्रीम UPSC परस्यू कर लेता भले उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, तो मतलब वेब सीरीज कितना इंस्पायर करती है एस्पिरेंट मतलब स्टूडेंट्स को टू बिकम UPSC एस्पिरेंट? आटा की चक्की वाला जो जर्नी मुझे काफी वो लगता है कि मतलब कि काफी वो कर रहा है यार लोगों को, मतलब डाइवर्ट कर रहा है मतलब. और पता है सैड बात ये है, आप ये सोचो इस मूवी के एंड में अगर ऐसा होता कि उनका एग्जाम नहीं निकला होगा तो क्या मुझे लगता है तब लोगों को ज्यादा क्लिक करती है चीज की, लोग कम परस्यू करते हैं UPSC, बट इसमें निकल चुका है कि अगर यार कि अच्छा ऐसा होता है, उन्हें ये दिख रहा है कि जो भैया थे उनके जिन्होंने अपनी चाय की टपरी शुरू कर दी, यस ये कितनी बुरी चीज है कि कोई बंदा IAS बनने का सोच रहा था, ठीक है, और अब वो इस चीज से संतुष्ट उसको होना पड़ा. मैंने कहा कि चाय की टपरी खोलना इज बुरी थे, बट ऐसा नहीं है कि उनकी चाय की टपरी का हमने ये दिखा दिया कि उन्होंने चेंज शुरू कर दिए हैं या चाय वाले हो गए वो कमा नहीं रहे, आपने उनकी सक्सेस तो दिखाई नहीं है, आपने सिंपली दिखा दी कि वो चाय सर्व कर रहे हैं टेबल पर. अच्छा. तो आप इतना दिखा रहे हो बट आप उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, बच्चे क्या बुरा फील करेंगे एक मिनट के लिए, बट लास्ट में जैसे ही मनोज का एग्जाम निकला बच्चे ऐसे एकदम खून उनका ना ऐसे हो गया कि यार मतलब एक ही कैरेक्टर का देखा जा रहा है, कैरेक्टर पे ही आपका फोकस हो जाता है. आप ट्राई तो कर रहे हो साइड साइड वालों को कुछ दिखाने का कि एसके सर का एग्जाम नहीं निकला तो टीचर बन गए, बट उनको भी दिखाओ ना कि वो खुश है. हाँ. वो आप एसके सर को इतना बार दिखाया कि
डेस्परेट्स लग रहे हैं, वो दोस्त नहीं है उनके, पर टीचर्स को कितना पैसा मिलता है आईएएस कोचिंग सेंटर्स में। वो तो मतलब मुझे लगता है कि आईएएस आईपीएस जो ज्वाइन कर रखा है वो सोचते होंगे यार रिजाइन करते हैं यूपीएससी बनते। तो आप उस चीज को ग्लोरीफाई तो करो, आप उस चीज को सैड ही दिखाते रहोगे तो बच्चे तो सोचेंगे कि नहीं यार जो फील है वो तो आईएएस बनने में ही है, बाकी चीजों को तो आप इग्नोर ही करे जा रहे हो। तो उनका रोल बहुत होता है और बच्चे उस चीज से इंस्पायर होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो एस के सर नहीं बनेंगे, वो सीधे बनेंगे अभिलाष, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो वैष्णवी ये रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है गाइस पापा सॉरी पे। तो वैष्णवी लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे रैपिड फायर में कि डू यू रिग्रेट लिविंग यूपीएससी प्रिपरेशन राइट नाउ, मतलब अभी जो आपका जिस हाँ लिविंग यूपीएससी। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मतलब एक भी दिन मेरे को जॉब ज्वाइन करके ऐसा नहीं लगा कि वापस से, क्योंकि क्या है कि आईएएस बनने का सपना तो अच्छा है, आईएएस बनना भी अच्छा है, पर उसके लिए जो वापस से वो जो फेस करना पड़ता है ना वो तैयारी में वापस से घुसना, मतलब मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगे कि यार छोड़ ये सब और तैयारी शुरू करते हैं। नहीं वैसे आपने काफी इयर्स दिए हैं यूपीएससी को और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ अंदर से मतलब जो फीलिंग्स है मतलब ट्रू फीलिंग्स जो आपकी है मतलब कोई रिग्रेट नहीं आपको राइट? नहीं मुझे तैयारी करने का भी कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे लगता है कि 4 साल दिए एकदम ठीक थे क्योंकि वो नॉलेज भी जरूरी थी लाइफ में, शायद इतना पढ़ाई का टाइम मुझे फिर कभी ना मिल पाए। प्लस सिलेबस इतना अच्छा है, मतलब मैं तो इस चीज को हमेशा बोलती हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस इज वेरी गुड, आपको सब पढ़ने को सब समझने को, ओनली प्रीलिम्स ही अनप्रेडिक्टेबल है बाकी तो मेंस का। आपको कोई रिग्रेट नहीं है राइट यूपीएससी छोड़ने का राइट? तो वैष्णवी जो आपने रैपिड फायर राउंड में जो भी आंसर्स दिए मुझे सही लगे मतलब और ट्रू लगे, कोई फेकनेस नहीं लगा मुझे इसमें, तो मैं सेटिस्फाई हुआ आपके आंसर से। तो गाइस यही इंटरव्यू खत्म होने की ओर पे है गाइस, तो वैष्णवी थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी राइट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके थैंक यू मतलब दिल से बोल रहा हूँ आपको थैंक यू, मतलब थैंक यू बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ थैंक यू, क्योंकि आपने जो जर्नी शेयर किया ना और आप कृपया करके आप जो आप जर्नी यूट्यूब पे शेयर करते हो ना वो आप उसको कंटिन्यू करो यार, मतलब फ्री टाइम मिले तो राइट। आई होप सो कि मैं और अच्छे से इसको परस्यू कर पाऊँ। हाँ बाकी फिर से मिलते हैं। हाँ ओके ओके वैष्णवी थैंक यू थैंक यू।